वेलकम बैक टू माय चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। आज मैं डिस्कस करूंगा इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड IRL ट्रेड्समैन टेनी फिटर ट्रेड ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर, जिसका CBT एग्जामिनेशन 7 अप्रैल 2024 कंडक्ट हुआ है और आज 10 अप्रैल 2024 इसका मास्टर क्वेश्चन पेपर कम आंसर की ऑफिशियल साइट पर पब्लिश किया गया है। इंडिविजुअली आंसर की या रिस्पॉन्स पब्लिश नहीं किया गया, सिर्फ इसका मास्टर की को पब्लिश किया गया। इससे आपको चेक कर लेना है, और अगर आपको लगता है किसी भी क्वेश्चन पर आंसर गलत दिया है, किसी भी क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, तो आप इस पे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। हर क्वेश्चन के लिए, इच क्वेश्चन के लिए आपको ₹500 पेमेंट करना पड़ेगा। RFCL के लिए ₹250 था, इस बार ₹500 हो गया। मतलब आप देखिए ये लोग कितना ज्यादा फायदा लूट रहा है। और आज का क्लास में टोटल मैं 100 क्वेश्चन का डिस्कशन करूंगा जो पेपर में आपको पूछा गया था। आउट ऑफ 100 क्वेश्चन पहले 50 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल पूछा गया था, नॉन टेक्निकल का डिस्कस करूंगा और उसके बाद मैं टेक्निकल का बाकी 50 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। एक्चुअली अगर थोड़ा सा इसको आप डीपली देखते हैं, IRL RFCL और GRAC का सेम डेट पर एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ है और IRL और RFCL का पेपर एकदम 100% सेम है। IRL में 100 क्वेश्चन पूछा है और RFCL में 150 क्वेश्चन पूछा गया है। तो आउट ऑफ 150 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन सेम टू सेम IRL का पेपर में भी पूछा है। तो सबसे पहले मैं RFCL का पेपर का सोल्यूशन YouTube पर डाला हूं और उसी वीडियो का जो भी क्लिप है, मैं IRL का वीडियो का सोल्यूशन करते टाइम उसी को मैं पोस्ट करूंगा। एक के बाद एक मैं हर क्वेश्चन को ऐड करूंगा, इसीलिए आप पूरा वीडियो देखिए। वीडियो से तो आपको पता चल जाएगा किस किस क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है और इसमें गलत भी दिया है, आपको किस क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन करना पड़ेगा और किस क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन करते हैं तो आपको रिफंड भी मिलेगा। इसीलिए आप पूरा वीडियो देखिए। ये जो वीडियो है RFCL का वीडियो से सब हर एक क्वेश्चन का क्लिप लेके मैं इस पे जोड़ूंगा और जोड़ के इस वीडियो को मैं तैयार कर रहा हूँ। नॉन टेक्निकल में मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, राइट आंसर कौन सा गलत आंसर कौन सा वही डिस्कशन करूंगा। व्हिच एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स स्पीकिंग क्लियरली एंड इफेक्टिवली, मतलब आप किसी का साथ जब बात करते हैं तो उसमें अगर आप क्लियरली और इफेक्टिवली एकदम पॉजिटिव वे में बात करते हैं तो उसी को क्या कहते हैं। कुछ लोग मतलब आंखों में आंख डालकर बात नहीं कर पाते हैं। जब भी आप इंटरव्यू में जाते हैं तो आपको सबसे पहला जरूरत होता है आई कॉन्टेक्ट। अगर आपका नहीं होगा तो वो पकड़ लेगा कि ये आप लोग डरपोक है, आप मतलब बिल्कुल भी स्मार्ट नहीं है, आप बात करने का भी आपका लायक नहीं है, आपको पूरा प्रोसीजर मालूम नहीं है। इसीलिए आप जब भी बात करते हैं क्लियरली और इफेक्टिवली पॉजिटिवली बात करते हैं तो इसी को कहते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। आपका अच्छे होना चाहिए वर्बल कम्युनिकेशन, आप बात करेंगे स्पीक आपको प्रॉपर होना चाहिए, आपको उल्टा सीधा बकना नहीं चाहिए, आई कॉन्टेक्ट में बोलिएगा तो इसको कहते हैं कि वर्बल कॉन्टेक्ट या वर्बल कम्युनिकेशन आपका अच्छा है। ठीक है, प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड चाइल्ड, तो प्लूरल फॉर्म चाइल्ड का होते हैं चिल्ड्रेन। आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो इसमें कौन से ऑकेशन ने आपको पूछा है लेकिन कौन सा वर्ड का स्पेलिंग बिल्कुल सही है, तो ऑकेशन OCCASION बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104, द एंटोनिम ऑफ द वर्ड ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मतलब होता है, आप लोग देखे हैं ना जो अभी नया जब भी हम मोबाइल लेते हैं तो उसका पैकेट में एक कवर भी मिलता है, ट्रांसपेरेंट कवर मिलता है, वो फोन का इस पर उस पर पूरा दिखाई देता है, मतलब आपको क्लियरली इस साइड से उस साइड आपको जब दिखाई देता है वो आपका क्लियर है। और ओपेक का मतलब होता है वो झपसा होता है, अस्पष्ट होता है। ठीक है, तो इसका ऑपोजिट या विपरीत अर्थ हो जाएगा ओपेक। फिल इन द ब्लैंक, इसमें क्वेश्चन पूछा था इट इज इंपॉर्टेंट टू डैश टू न्यू रेगुलेशन क्विकली, मतलब जब कोई भी नया नियम जारी करता है तो वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है क्या कि सबसे पहले उसको मान लेना, तो इट इज इंपॉर्टेंट टू एडॉप्ट द न्यू रेगुलेशन क्विकली, मतलब जब नया कोई रेगुलेशन रूल्स रेगुलेशन जारी होगा तो उसको तुरंत मान लेना काफी इंपॉर्टेंट है, जल्दी मान लेना काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106, इसी में एक दो क्वेश्चन का आंसर गलत है, मैं आपको बताऊंगा, पूरा वीडियो देखिए। टू अचीव एक्यूरेसी वन मस्ट बी, एक्यूरेसी प्राप्त करने के लिए आपको
प्रीसाइज होना जरूरी है। तो प्रीसाइज का कौन सा स्पेलिंग सही सही होगा? PRECIAC। टेक्निकल स्टूडेंट प्रीसाइज कभी भी स्पेलिंग गलत मत कीजिएगा, क्योंकि मैं हर बात में प्रीसाइज प्रीसाइज बताता हूँ। PRECIAC और प्रिसिजन होता है PRECIAC। प्रिसिजन। ओके, नेक्स्ट टू एक्सीलरेट मींस टू स्पीड अप इज इट्स एंटोनिम इज एक्सीलरेट। जो आपका बाइक का एक्सीलेटर होता है, फोर व्हीलर का एक्सीलेटर होता है, उससे आप स्पीड को बढ़ाते हैं, तो उसका विपरीत मीनिंग क्या होगा? डिसीलरेट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डिसीलरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108, डायरेक्शन फिल इन द ब्लैंक्स। ही इज नोन फॉर हिज डैश माइंड एंड ऑलवेज कम्स विद क्लेवर सॉल्यूशन। मतलब वो हर टाइम किस लिए जाना जाता है? उसका इंटेलिजेंट माइंड, उसका बुद्धिमान दिमाग के लिए, या बुद्धिमान उसका माइंड मतलब उसका मन के लिए जाना जाता है, और वो ऑलवेज अच्छे अच्छे सोल्यूशन लेके आता है, तो इंटेलिजेंट माइंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109, इन रिटेन कम्युनिकेशन व्हाट डज द टर्म CC टाइपिकली स्टैंड फॉर। जितना भी क्वेश्चन अभी तक मैं डिस्कशन किया सब एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का क्वेश्चन है, जो आप लोग ITI में 2 साल पढ़ते हैं। तो CC का फुल फॉर्म होता है, जब आप लोग मेल भेजते हैं तो उसमें CC का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी, और BCC अगर होता है उसका फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110, व्हिच जेस्चर इज कॉमनली यूज्ड टू इंडिकेट कंफ्यूजन एंड अनसर्टेनिटी। तो इसी में देखिए, जब आप किसी भी डाउट किसी भी मैटर में डाउट होता है, या कोई चीज में आप अनिश्चित है, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? अपने सर को खुजलाते हैं। तो इसीलिए स्क्रैचिंग द हेड ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब भी आपको कुछ दिमाग में याद नहीं होता, आप कंफर्म नहीं है, तो आप थोड़ा सा दिमाग सोच लेते हैं, अपना सर को खुजला के आप थोड़ा सा सोच लेते हैं। तो ये जो आपका जेस्चर है, ये आपका जो या पोस्चर है, इससे आपको पता चलता है कि आप इसमें कंफर्म नहीं है, आप थोड़ा सा इसमें डाउटफुल है। तो इसीलिए बोला, जब आप किसी में कंफ्यूजन है या आप बिल्कुल सा उसमें निश्चित नहीं है, तो आप कौन सा पोस्चर होता है मैक्सिमम लोगों के लिए? वो अपने सर को खुजलाते लगता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 111 नंबर क्वेश्चन, व्हिच कम्युनिकेशन चैनल इज कंसीडर द मोस्ट फॉर्मल। देखिए, किसी का साथ कम्युनिकेशन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? उसको फोन कॉल करके बात करना, उसको ईमेल करके बता देना, उसको इंस्टेंट मैसेज करके बता देना, या फेस टू फेस उसका साथ मीटिंग बुला लेना। देखिए, ये सब अगर अब तो फोन ईमेल मैसेजिंग आ गया, इसीलिए अब सब यही कर देते हैं। अगर किसी को रेजिग्नेशन भी देना होता तो मेल पर रेजिग्नेशन भेज देता है, लेकिन फेस टू फेस बैठ कर अगर आप मीटिंग कर लेते हो तो उसमें पूरा मैटर आपका क्लियर हो जाता है, इसमें किसी का कोई डाउट नहीं रहता। इसीलिए आपको अगर परफेक्ट कम्युनिकेशन करना है तो ये आपका सबसे मोस्ट फॉर्मल है, फेस टू फेस आप मीटिंग करके सब कुछ क्लियर कर लीजिए। 112 नंबर क्वेश्चन, वर्ड इज द WH वर्ड टाइपिकली प्लेस्ड इन ए क्वेश्चन। किसी भी क्वेश्चन का WH वर्ड कहाँ पर लगाते हैं? जैसे व्हाट आर यू डूइंग, हाउ डू यू डू, तो इसमें जो भी आपका WH है वो हम लोग बिगिनिंग में बैठाते हैं, तो बिगिनिंग एट द बिगिनिंग शुरुआत में बैठाते हैं। 113 नंबर क्वेश्चन, व्हिच पंक्चुएशन मार्क इज यूज टू सेपरेट द इंट्रोडक्टरी फ्रेज फ्रॉम द मेन क्लॉज ऑफ द सेंटेंस। तो इसमें बोल रहा है वो कौन सा पंक्चुएशन मार्क हम लोग मेन क्लॉज से इंट्रोडक्टरी फ्रेज को अलग करते हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं आई सुभजीत ठाकुरा रेसिडेंट ऑफ, तो इसमें देखिए आई ये आपका जब शुरू हो रहा है, ये आपका मेन क्लॉज से शुरू हो रहा है, उसको हम लोग इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, मतलब हमें सुभजीत ठाकुरा है, और उसके बाद रेसिडेंट ऑफ कहाँ के रेसिडेंट है, ये जब बता रहा है, मतलब इंट्रोडक्शन जब दे रहे हैं, तो मेन क्लॉज से उसको अलग करने के लिए हम लोग कौन सा पंक्चुएशन मार्क यूज करते हैं? कॉमा यूज करते हैं। तो कॉमा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114, कंप्लीट द गिवन सीरीज। इसमें अभी आपको रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसमें देखिए 3F 6G 11I 18L। तो इसमें देखिए रीजनिंग में कैसा हो रहा है, 3 बढ़ रहा है, फिर इसमें आपका बढ़ रहा है 5, फिर इसमें आपका बढ़ रहा है 7, तो इसका बाद आपका 9 बढ़ेगा, क्योंकि 2-2 करके ऐड हो रहा है, 3+2 5, 5+2 7, 7+2 9 हो जाएगा, तो 18+9 आपका कितना हो जाएगा, 18+9 आपका हो जाएगा 27 हो जाएगा, हाँ 27 ही होगा, 27। ठीक है, इसमें देखिए एफ
ई एफ जी, जी का बाद क्या होगा, इसमें सिर्फ एक घर हुआ है, जी एच आई फिर दो, जे के एल तीन, एम एन ओ पी, तो आपका 27 पी हो जाएगा। तो 27 पी देख लेते कौन सा ऑप्शन में है, तो 27 पी आपका ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115, फाइंड आउट या फाइंड द ऑड वन आउट इन द गिवन सीरीज, दिए गए श्रृंखला में कौन से बेजोड़ को ढूंढे। तो इसमें 3, 5, 7, 9, 11, 13, तो इसमें देखिए 3, 5, 7, 9, 11, 13 सब में देखिए दो दो करके आपका गैप है, लेकिन फिर भी इसमें एक ऑड है। ऑड क्या है, देखिए 3, 5, 7, 11, 13 ये सब प्राइम नंबर है, मतलब ये आपका मौलिक संख्या है, लेकिन 9 ये एक सिर्फ ऑड संख्या है, ये प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर मतलब जिसको हम लोग कभी भी किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो इसमें देखिए 3, 5, 7, 11, 13 इसको कभी भी किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं कर सकते, सिर्फ एक से या उसी संख्या से। तो देखिए जो 9 है इसको हम लोग 3 से डिवाइड कर सकते हैं, मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है, ये सिर्फ ऑड नंबर है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए इस सीरीज में ये 9 ऑड है, मतलब थोड़ा सा अलग टाइप ऑफ है। नेक्स्ट देखिए, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज कोलकाता इज कोडेड एज LPM LBUB, हाउ रांची विल बी कोडेड इन द इन दैट कोड लैंग्वेज। तो इसमें देखिए आपको रीजनिंग से क्वेश्चन पूछ रहा है, के का बात किया जाए, आई जे के एल एम एन ओ पी, सब एक एक करके बढ़ रहा है, तो इसमें रांची में क्या होगा, आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, आर का बात क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, और इसमें लास्ट में आप देख लीजिए सब आपको एक एक करके बढ़ाना पड़ेगा, इसका बाद बी हो जाएगा, तो लास्ट में देखिए ये आपका होगा आई जे, तो एस और जे, तो इसमें देखिए शुरू में एस और लास्ट में जे सिर्फ इसी में है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूरा आपको चेक भी करना नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा आप दिमाग लगाने का भी इसमें कोशिश कीजिएगा। देखिए 117 नंबर क्वेश्चन ब्लड रिलेशनशिप चैप्टर का क्वेश्चन है, और ये सबसे अच्छा टॉपिक है रीजनिंग का, इसके लिए आपको अलग से कोई क्लास लेने का जरूरत नहीं होता। देखिए कैसे मैं करता हूं, एक्स इज द ब्रदर ऑफ द सन ऑफ वाई सन, हाउ एक्स इज रिलेटेड टू वाई, यदि एक्स वाई के पुत्रों के पुत्र के भाई है, एक्स का वाई से क्या संबंध है। तो इसमें देखिए ए वाई है, देखिए वाई सन, तो वाई का सन, ये सोचिए मेरा दादाजी है, उसके नाम है सत्यपदा, ठीक है सत्यपदा, फिर उसके सन है मेरा पापा, ए उसके सन है मेरा पापा प्रशांत ठाकुरा, ठीक है, जस्ट अपने ब्लड रिलेशन से मतलब अपने बड़े में सोच लेना था, अपना रिलेशन से वो आप सोचिए, उसके सोन मतलब मैं शुभजीत ठाकुरा, ठीक है, क्या बोला है, एक्स इज द ब्रदर ऑफ द सन, मतलब ये आपका क्या हो रहा है, ये शुभजीत का ब्रदर है एक्स, मतलब ये मेरा ब्रदर है, सोचिए इसका नाम है, मैं बोल देता हूं ओसिम, ठीक है, तो इस x का साथ y का क्या संबंध है, मेरा साथ सत्यवादा का क्या संबंध है, मेरा दादा दादा है, दादाजी है, तो ये मेरा एक्चुअली दादाजी हो रहा है, लेकिन इसका साथ मेरा क्या संबंध है, मैं उसका पोता हूं, तो इसमें मेरा भैया भी क्या होगा, उसका पोता होगा, यही आपको पूछा है, तो इसीलिए ग्रैंड सन राइट आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118, इफ ए इज टू द साउथ ऑफ बी, रीजनिंग का ये सब टॉपिक बहुत सिंपल है, देखिए जब भी डायरेक्शन टेस्ट बोलेगा तो आपको ऐसे कर लेना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, मैं तो हर टाइम ये बना लेता हूं। इसका बात देखिए, ए इज टू द साउथ ऑफ बी, मतलब बी अगर इसी पोजीशन में रहता है, सोचिए बी अगर इस पोजीशन में रहता है, या अगर आपका बी होता है तो ए उसका साउथ में है, साउथ इस तरफ है, मतलब सोचिए ए आपका इधर है, ए आपका इधर है, सी इज द ईस्ट ऑफ बी, मतलब ये आपका बी है, सी उसका ईस्ट तरफ है, मतलब इस तरफ है, सोचिए इधर है सी, बोला है देन इन व्हिच डायरेक्शन ए इज ए विथ रेस्पेक्ट ऑफ सी, मतलब सी का पोजीशन के हिसाब से ये अब किस डायरेक्शन में है, तो सी का जो पोजीशन है उसको न्यूट्रल अगर मान लेते वैसे सेम टू सेम अगर हम लोग एक ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं, तो इसमें क्या होगा, ये आपका ईस्ट होगा, ये आपका वेस्ट होगा, ये आपका नॉर्थ होगा, ये आपका साउथ होगा, तो इस हिसाब से
सी का रिस्पेक्ट में ये जो उसका बेस पॉइंट है उसका रिस्पेक्ट में अब एक इसमें कहां पे है, ये आपका कहां पे है, साउथ वेस्ट में है। देखिए साउथ वेस्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119, रिया इंट्रोड्यूसेस रमन एज द सन ऑफ द ब्रदर ऑफ हर मदर, हाउ इज रमन रिलेटेड टू रिया। रिया ने रमन का परिचय अपनी मां के भाई के बेटे के रूप में करवाया है, ठीक है। तो रमन का रिया से क्या संबंध है, तो इसी में देखिए, इसी में बोल रहा है रिया इंट्रोड्यूसेस रमन एज द सन ऑफ द ब्रदर ऑफ हर मदर। तो इसमें मेरा मां है मदर मीना ठाकुरा, ठीक है। इसका ब्रदर राजू है, इसका भैया राजू है। इसमें बोला है एज द सन ऑफ द ब्रदर ऑफ हर मदर, मतलब हर मदर मतलब किसका है, रिया का मदर का बारे में बोल रहा है, ठीक है। तो इसमें देखिए उसके भाई के सन, उसके भाई के सन ये हो जाएगा, उसके भाई के सन है और कौन है, ठीक है। और इसके बेटी कौन है, रिया है। तो इसमें बोला है रमन रिलेटेड टू रिया, मतलब ये आपका जो अर्पण मैंने लिया है ये आपका रमन आप लिख लीजिए, सॉरी। तो इसमें इसका साथ इसका क्या रिलेशन है, ये दोनों कजन्स होगा, ठीक है, मतलब चचेरा भाई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120, व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस 12, 15, 17, 20। तो इसमें देखिए इस सीक्वेंस में नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, इसमें देखिए तीन तीन बढ़ रहा है, इसमें दो फिर तीन फिर दो बढ़ेगा, मतलब ये आपका 22 हो जाएगा। 121 नंबर क्वेश्चन, इन ए गिवन क्वेश्चन देयर इज अ सर्टेन रिलेशनशिप अमंग द थ्री ऑप्शन आउट ऑफ द गिवन फोर ऑप्शन, फाइंड आउट द फोर्थ ऑप्शन व्हिच इज नॉट रिलेटेड। दिया गया प्रश्न में दिया गया चार विकल्प में से तीन विकल्प के बीच एक ही निश्चित संबंध है, चौथा विकल्प खोजे जा खोजे जो संबंधित नहीं है, मतलब चार ऑप्शन में से तीन ऑप्शन रिलेटेड है, सेम रिलेटेड है, और एक ऑप्शन अलग टाइप है, वो ऑड ऑप्शन आपको निकालना है। देखिए जैसे सोफा जिसमें हम लोग बैठते हैं, स्टूल स्टूल में हम लोग बैठते हैं, चेयर चेयर पर हम लोग बैठते हैं, मतलब ये तीनों सेम टाइप ऑफ है टाइप है, लेकिन लैंप ये आपका लैंप जो आपका मोमबत्ती है या जो आप लाइट जलाते हैं, तो ये आपका बैठने का कोई जगह का संबंध नहीं हो रहा, इसलिए ये आपका ऑड हो जाएगा, इसलिए ये राइट आंसर है। इस क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्शन करना है, इस क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्शन करना है। रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसमें बोला जहां प्लस है वो जगह में आपको माइनस लिखना है, जहां पे मल्टीपल है उधर आपको डिवाइड लिखना है, जहां माइनस है उधर आपको मल्टीप्लीकेशन लिखना है, जहां डिवाइड है उधर आपको प्लस करना है। तो उसके बाद आप इस सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व कीजिएगा, तो 450 मल्टीपल है मतलब आपको डिवाइड करना है 15, प्लस है मतलब आपको माइनस करना है 7, माइनस है मतलब आपको करना है मल्टीप्लीकेशन, और डिवाइड है मतलब आपको करना है प्लस। तो इसी में देखिए सबसे पहले आपको होता है बॉडमास का रूल के हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लीकेशन एड सबस्ट्रक्शन, तो ये दोनों तो आपका बिल्कुल नहीं है, तो डिवाइड सबसे पहले कर लेना है, 30 आपका आ जाएगा माइनस 7 इंटू 4 प्लस 15 आ जाएगा। तो इसमें अब एक आपको मल्टीप्लीकेशन का ऑप्शन करना है, तो 30 माइनस इसको मल्टीप्लीकेशन कर देना है 28 प्लस 15, तो ये आपका आ जाएगा 2 प्लस 15 मतलब 17 आ जाएगा, ठीक है 17, लेकिन आंसर की में 14 दिया। इस पे आप ऑब्जेक्शन कीजिएगा, इसको ऐसे ही आप कॉपी में लिख के आप उसको स्क्रीनशॉट को आप अपलोड कर दीजिए। इस पे आपको ऑब्जेक्शन करना है 122 नंबर क्वेश्चन पर। 123 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इन आंसर ऑप्शन ऑफ इंग्लिश लेटर विल लुक एट द सेम इन द मिरर। इसमें देखिए कुछ इंग्लिश लेटर दिया है, इस पे अगर हम लोग मिरर लगा इधर रखते हैं तो आपको उस तरफ भी सेम मिरर में दिखाई देगा, तो मिरर इमेज से क्वेश्चन आपको पूछा है, ऐसे अगर आप मिरर लगा देते हैं तो ये अगर ऐसे ही जाएगा तो ये आपका सेम दिखाई देगा, एम ए एच यू ए एच एम ए सेम दिखाई देगा, क्योंकि देखिए इधर भी जो है आपका उधर भी आपका सेम है, मतलब वो आपको मिरर इमेज करने पर सेम ही दिखाई देगा। 124 नंबर क्वेश्चन, 5 गर्ल्स टूक पार्ट इन ए रेस, रीना फिनिश्ड बिफोर मोहिनी, मतलब 5 लड़कियां एक रेस दौड़ में पार्टिसिपेट किया है, तो दौड़ में हम लोग मान लेते हैं इधर से पार्टिसिपेट किया है, दौड़ रहा है सब। रीना फिनिश्ड बिफोर मोहिनी, मतलब रीना
दौड़ना कंप्लीट कर ली है मोहिनी से पहले, लेकिन बट बिहाइंड गौड़ी, लेकिन गौड़ी से पीछे, मतलब गौड़ी कहां होगा, गौड़ी इधर होगा, ठीक है। उसके नीचे क्या होगा, रीना होगा, और रीना किससे पहले खत्म कर लिया, मोहिनी, मतलब उसके लास्ट होगा मोहिनी। इसका बाद देखिए अनन्ना फिनिश्ड बिफोर सांची बट बिहाइंड मोहिनी, मतलब अनन्ना जो फिनिश किया है वो सांची से पहले किया है, मतलब लेकिन मोहिनी का नीचे है, मतलब इधर आपका अनन्ना आ जाएगा और नीचे आपका सांची आ जाएगा, सांची से पहले किया है। तो इसमें देखिए पांच लड़की आपका आ गया है, तो सबसे पहले हु ओन द रेस, रेस किसने जीता है, गौड़ी ने जीता है, गौड़ी सबसे पहले पहुंचा है, तो गौड़ी ऑप्शन देख लेते वो गौड़ी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125, ये आपका सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। देखिए इसमें बोला है सिक्स लेडीज, सब लेडीज का बात किया है, पी क्यू आर एस टी यू आर सिटिंग अराउंड राउंड टेबल, राउंड टेबल का चार पास में बैठे हैं, क्यू बिटवीन एस एंड आर, इसमें आपको एक राउंड टेबल बनाना है, ठीक है। इसमें देखिए बोल रहा है क्यू एस और आर का बीच में है, तो ये आपका एस होगा, ये आपका आर होगा, उसके बीच में हम लोग मान लेते हैं आपका क्यू है, ठीक है। जो भी बोलता है आपको लिखना है और उसको चेंजेस करते जाना है। P is between T and R. ये R है आपका और ये आपका, अगर हम लोग मान लेते हैं ये आपका T है, तो इसका बीच में कौन होगा, इसका बीच में होगा a T, सॉरी T and U, सॉरी P is between T and R, तो ये आपका P हो जाएगा। नेक्स्ट U is right of S, मतलब देखिए U S का राइट में होगा, राइट कौन सा साइड हो रहा है, इस तरफ हो रहा है, लेकिन एग्जैक्ट आपको राइट में बोला है ये तो नहीं बोला, मतलब उसका बगल में बैठा ऐसे नहीं बोला, लेकिन बोला कि S, सॉरी U S का राइट में है, मतलब इधर भी हम लोग लिख सकते क्योंकि वो राइट में हो रहा है। अब आपको लिखना है क्वेश्चन में जब पूछा हु इज बिटवीन पी एंड यू, तो पी और यू का बीच में कौन हो रहा है, पी और यू, ये आपका यू है, तो पी और यू का बीच में टी हो रहा है, तो टी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको बोला है कि यू एस का राइट में बैठा है, लेकिन ये तो नहीं बोला कि इधर ही बैठा है, ये तो नहीं बोला है ना, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखो ऐसे आपको सॉल्व करना है, मैं कितना जल्दी सॉल्व कर रहा हूं। इन द गिवन क्वेश्चन देयर इज ए सर्टेन रिलेशनशिप अमंग द थ्री ऑप्शन आउट ऑफ द गिवन फोर ऑप्शन, देखिए चार ऑप्शन में से तीन ऑप्शन सेम होगा, एक ऑप्शन डिफरेंट होगा, वो आपको निकालना है। स्क्रू नीडल नेल, तीनों का जो आपका स्क्रू होता है पेंच, नीडल का सुई का फ्रंट पोर्शन, कील का फ्रंट पोर्शन बहुत ज्यादा शार्प होता है, नुकीला होता है, लेकिन जो आपका हैमर होता है वो आपका अलग होता है, वो आपका दिखने में भी अलग होता है, इन तीन चीज से अलग होता है, उसका फ्रंट पोर्शन साफ नहीं होता, इसलिए हमारे इधर राइट आंसर हो जाएगा, ये थोड़ा सा अलग है उन सब से। देखिए इसको करना और ना करना सब समान है, 3x is equal to आपको करना है 16 माइनस 4, 3x is equal to 12, x is equal to आपका आ जाएगा 3, ठीक है, सॉरी x is equal to आपका आ जाएगा 4, क्योंकि 3 चौके 12, तो 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128, व्हाट इज द टोटल ऑफ द इंटरनल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, एक त्रिभुज में आंतरिक कोणों का कुल योग कितना होता है, तो एक त्रिभुज जो भी है आपका उसके जो भी तीन एंगल है, तीन एंगल को मेजर करते हैं, तो टोटल 180 डिग्री आता है, बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129, व्हाट इज द नेक्स्ट प्राइम नंबर आफ्टर 17, 17 के बाद अगली अभाज्य संख्या मौलिक संख्या कौन सा है, 19 हो जाएगा, बाकी देखिए इन सबको डिवाइड कर सकते हैं, 3 18 को तो डिवाइड कर सकते हैं, 20 को 21 को, 3 7 21 होता है, तो ये सब डिवाइड होता है, मतलब ये मौलिक संख्या या अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन जो 19 है वो अभाज्य संख्या है, किसी से भी वो डिवाइड नहीं होता। द बाइनरी सिस्टम यूजेस हाउ मेनी डिजिट, बाइनरी सिस्टम में कितने अंक का उपयोग किया जाता है, 0 और 1 का यूज किया जाता है, इसलिए दो संख्या का यूज किया जाता है, दो डिजिट का यूज किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। LCM आपको बोला है 8 और 12, देखिए नॉन टेक्निकल का क्वेश्चन काफी इजी इसमें पूछा है, इसमें कोई भी स्टूडेंट 130 को ऊपर मार्क्स ला सकते, उतना डिफिकल्ट कुछ तो हम देख ही नहीं रहे, 2 4 2 6 2 3 2 2 और 2 3 तो 6 12 24, तो 24 इसका राइट आंसर आ जाएगा LCM, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132, इफ 40% ऑफ ए नंबर इज 20, इफ 40% of a number is 20, then 25% of that number is, इसमें देखिए आपको बोल रहा है 40% of a number, मतलब number अगर हम लोग मान लेते x is 20, तो इधर आपको क्या करना है 40/100, of का जगह आपको multiple करना है, x आपको लिखना है equal to 20, इधर आपका हो क्या जाएगा, अब देखिए
एक्स इजिकल टू 20 इंटू 100 नीचे आपका 40 हो जाएगा, तो दो आपका आ जाएगा 50। 50 का 25% क्या हो जाएगा, 50 इंटू 25 डिवाइड बाई 100, तो ये आपका आ जाएगा 12.5। तो 12.5 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133। इमेजिन यू हैव ए क्यूब से बॉक्स एंड ईच साइड ऑफ द बॉक्स मेजर 5 सेंटीमीटर, व्हाट वुड बी द टोटल अमाउंट ऑफ स्पेस और वॉल्यूम इनसाइड द बॉक्स। तो इसमें किसी भी क्यूब है, उसके एक साइड दिया 5 सेंटीमीटर, उसके वॉल्यूम कितना हो जाएगा, अंदर कितना जगह है, तो वॉल्यूम ए क्यूब हो जाएगा, साइड क्यूब मतलब 5 क्यूब का वैल्यू होता है 125 क्यूबिक सेंटीमीटर। आंसर सी बिल्कुल सही आंसर दिया है। 19 नंबर क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। इसमें जो दिया है ए का वैल्यू 19 है, बी का वैल्यू 33 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका दो फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab और ए माइनस बी का होल स्क्वायर इसका अपोजिट प्लस 2ab आपका होता है। तो इसमें पहला इसको लेके देखते हैं, तो इसमें आप कर लीजिए 19 प्लस 33 माइनस 2ab, तो इसको आप कर लीजिए 52 स्क्वायर माइनस बाकी जो भी है 2 इंटू 19 इंटू 33, ये आपका आंसर बिल्कुल 1450 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135। इन ए सर्वे 60% ऑफ द पीपल प्रेफर टी ओवर कॉफी, इफ 300 पीपल वर सर्वेड हाउ मेनी पीपल प्रेफर टी। एक सर्च में 60% लोगों ने कॉफी की जगह चाय की प्राथमिकता दी है। यदि 300 लोगों का सर्वेक्षण या कुछ होता है, मतलब टोटल है, तो उसमें कितना लोग चाय पसंद करते हैं। तो इसमें देखिए जो भी आदमी है उसमें 60% चाय पसंद किया है। 100 में अगर 60 होता है तो उसमें 300 में कितना होगा, 60 × 3 मतलब आपको 180 आदमी टोटल चाय पसंद किया है और 120 बाकी जो आदमी है वो कॉफी पिएगा। 136। इन ए ट्रेन ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, हाउ मेनी किलोमीटर विल इट ट्रेवल इन 3 आवर्स। देखिए एक किसी ट्रेन एक घंटे में 60 किलोमीटर जा रहा है, तो 3 घंटे में कितना दूरी तय करेगा, 3 × 60 180 किलोमीटर दूरी वो तय करेगा। इतना समझ में आ गया है। 137 नंबर क्वेश्चन, यू आर मेजरिंग द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड गार्डन, यू फाइंड आउट टू बी 40 एंड यू फाइंड आउट टू बी 40 मीटर। इसमें देखिए हाउ लॉन्ग वुड यू ईच ए साइड ऑफ द स्क्वायर गार्डन इन मीटर्स। तो इसमें बोला किसी स्क्वायर गार्डन को हम लोग मेजर किए, उसका पेरीमीटर आया है 40 आया। पेरीमीटर मतलब ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए चारों साइड का युगफल। तो 4a इक्वल टू अगर आपका 40 आता है तो किसी एक साइड ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। किसी एक साइड का वैल्यू आता है 10, तो 10 ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 138 नंबर क्वेश्चन। मैं काफी फास्ट डिस्कशन कर रहा हूँ, लेकिन देखिए प्रॉपर तरीके से मैं डिस्कशन कर रहा हूँ क्योंकि काफी वीडियो लंबा हो गया, सब लोग तो पसंद नहीं करते है ना, उसको सिर्फ क्वेश्चन चाहिए। क्वेश्चन के लिए आपको तो आंसर की मिल गया, सबको स्टूडेंट को मिल गया, आप आंसर की देख लीजिए। व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाटर इनटू वेपर। तो इसमें देखिए वो जल के बस में परिवर्तन का वर्णन करने के लिए किस शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो जब भी वो वाटर से वेपर बन जाता है, बस बन जाता है, तो उसी को इवापोरेशन कहते हैं। ओके, इवापोरेशन कहते हैं। मेल्टिंग जब वो सॉलिड रहता है, सॉलिड से जब लिक्विड होता है, उसी को मेल्टिंग कहते हैं। और कंडेंसेशन से क्या, कंडेंसेशन जैसे बारिश होता है, ऊपर में वाटर वेपर रहता है, वाटर वेपर से क्या होता है, वाटर वेपर से जब वो लिक्विड हो जाता है, तो वाटर वेपर से जब लिक्विड हो जाता है, मतलब जब आसमान में रहता है तो वाटर वेपर रहता है, नीचे जब आता है तो लिक्विड हो जाता है। वाटर वेपर से जब लिक्विड होता है उसी को कंडेंसेशन कहते हैं। सब्लिमेशन में क्या होता है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस हो जाता है। सब्लिमेशन में सॉलिड से डायरेक्ट गैस होता है, जैसे कर्पूर होता है ना, वैसे सॉलिड से डायरेक्ट गैस हो जाता है, इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। 139 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द स्टैंडर्ड यूनिट यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा को मापने के लिए किस प्रयुक्त मानक इकाई क्या है। तो इसमें देखिए किसी भी इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए उसका यूनिट होता है एम्पेयर, और पावर का यूनिट होता है वाट, रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, और पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज का यूनिट होता है वोल्ट। 140 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ दिस ऑप्शन रिप्रेजेंट ए सस्टेनेबल एनर्जी सोर्स, इनमें से कौन सा विकल्प एक स्थायी ऊर्जा स्रोत का प्रतिनिधित्व करता है। तो सस्टेनेबल एनर्जी जो आपका सोलर सिस्टम है उसी से आपको मिलता है। 141 नंबर क्वेश्चन, यू आर टेस्टिंग ए सोल्यूशन दैट इज नाइदर एसिडिक और बेसिक, व्हाट
पीएच वैल्यू वुड यू एक्सपेक्ट टू फाइंड। तो पीएच वैल्यू मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, इसमें आप किसी सोल्यूशन को टेस्ट किया है वो ना एसिड ना वो बेसिक है, तो उसका पीएच वैल्यू हो जाएगा 7, मतलब वो न्यूट्रल है। ठीक है, वो न्यूट्रल है, और न्यूट्रल किसका होता है, डिस्टिल्ड वाटर का होता है, डिस्टिल्ड वाटर। देखना इन्वर्टर में आप लोग जो पानी डालते हैं उसी को डिस्टिल वाटर ही डाला जाता है। 141 नंबर जीके का एक क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन, व्हिच प्लैनेट इज आल्सो नोन एज अ रेड प्लैनेट, कौन सा ग्रहों को लाल ग्रह का नाम में जाना जाता है, तो मार्स इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 143 नंबर क्वेश्चन, व्हाट डज रैम स्टैंड फॉर इन कंप्यूटिंग, तो कंप्यूटर में रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144, व्हाट डज सी स्टैंड फॉर इन द बैंकिंग और फाइनेंशियल टर्म केवाईसी, बैंक में देखना आपको बोलता है कुछ दिन अगर ज्यादा दिन तक आप ट्रांजैक्शन नहीं करते हो तो आपको बोलते हैं केवाईसी करना पड़ेगा। केवाईसी का मतलब होता है आपका वेरिफिकेशन को फिर से वो लोग वेरीफाई करेगा, आइडेंटिटी को फिर से वेरीफाई करेगा, इसीलिए ये जो केवाईसी होता है, केवाईसी का फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर, तो सी जो होता है सी का फुल फॉर्म होता है कस्टमर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 145, द इंडियन स्टेट ऑफ गोवा वाज फॉर्मर कॉलोनी ऑफ व्हिच यूरोपियन कंट्री, भारतीय राज्य गोवा किस यूरोपीय देश का पूर्व उपनिवेश था, तो ये पुर्तगाल का पूर्व उपनिवेश था। ठीक है, 146 नंबर क्वेश्चन, व्हिच रिवर इज आल्सो नोन एज गंगा ऑफ द साउथ, कौन सी नदी दक्षिण की गंगा के नाम में जाना जाता है, तो ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है, बहुत सारा स्टूडेंट इसको गोदावरी करके आया है। एक्चुअली गोदावरी को डायरेक्ट कहा जाता है दक्षिण गंगा, दक्षिण गंगा जब बोलेगा तो गोदावरी राइट आंसर हो जाएगा, जब आपको बोलेगा गंगा ऑफ द साउथ तो इसमें कावेरी राइट आंसर हो जाएगा, तो इस पर आपको ऑब्जेक्शन नहीं करना है। दक्षिण गंगा जब बोलेगा तो गोदावरी राइट आंसर होगा। 147 नंबर क्वेश्चन, इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फाउंडेड इन व्हिच ईयर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुआ था, तो ये आपका हुआ था 1885 में हुआ था, और ह्यूम ने इसको स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 148, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन नोबेल प्राइज, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहला भारतीय कौन थे, तो 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था, जो वेस्ट बंगाल से है। 149 नंबर क्वेश्चन, व्हिच एलिमेंट इज द मोस्ट अबंडेंट इन अर्थ क्रस्ट, पृथ्वी के पपड़ी में कौन सी तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन सिलिकॉन, तो सबसे ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन को पाया जाता है पृथ्वी में इन सब बाकी चीज में से। 150 नंबर क्वेश्चन, व्हिच लेक इन इंडिया इज नोन फॉर इट्स फ्लोटिंग आइलैंड, भारत की कौन सी झील अपने फ्लोटिंग आइलैंड के लिए जानी जाती है, तो फ्लोटिंग आइलैंड है लोकटक लेक में जो मणिपुर में लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 1, What is the name of the tool given in the below image? English का साथ साथ मैं हिंदी का भी discussion करूंगा, क्योंकि काफी सारा student है जो English में कमजोर है, उसके लिए हिंदी मैं पढ़ के सुनाता हूँ। नीचे दी गई छवि में दिया गया टूल का नाम क्या है, तो इस टूल का नाम है रेंज, पाइप रेंज। ठीक है, ऑप्शन देखिए, ये पाइप रेंज आपको मिल रहा है, ये बिल्कुल सही आंसर दिया है आंसर कीपर, और इस पाइप रेंज का एग्जैक्ट नाम क्या है, स्टिल्सन, STILL स्टिल्सन पाइप रेंज। इससे हम लोग किसी भी हेवी वर्कपीस का रफ हैंडलिंग कर सकते हैं। रेंज का कब जरूरत होता है, सोचो दो पाइप है, उसको जब आपको असेंबल करना पड़ेगा, डिसमेंटल करना पड़ेगा, तो पाइप रेंज का जरूरत पड़ता है। देखना घर पे जब ट्यूबवेल बनता है ना, तो इस रेंज का यूज किया जाता है, दोनों पाइप को जब आपको टाइट करना होता है, तो टाइट करने के लिए, या उसको जब खोलना होता है तो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है, तो इस रेंज का यूज किया जाता है, इसी का नाम है पाइप रेंज। तो नॉर्मली बोलते हैं इसका नाम है स्टिल्सन पाइप रेंज, इसका कैपेसिटी होता है 15 से 50 मिलीमीटर, इतने डायमीटर पाइप अगर है तो इसको ये पकड़ के वो उसके काम कर सकते हैं। तो इससे बड़ा जब जॉब मिलेगा, 50 मिलीमीटर से बड़ा जब जॉब होगा, 50 से 150 मिलीमीटर डाया वाला कोई भी पाइप है, इसको जब खोलना पड़ेगा, या किसी भी इरेगुलर शेप का आपको अगर कोई भी पाइप फिटिंग का कोई कंपोनेंट है, उसको जब खोलना पड़ेगा, मतलब 50 से 150 मिलीमीटर का बीच में, डायमीटर के बीच में किसी भी अगर इरेगुलर शेप का भी वर्कपीस आपको खोलना टाइट करना जरूरत पड़ता है, तब हम लोग यूज करते हैं चेन पाइप रेंज।
इसमें चेन का यूज किया जाता है, ठीक है, इसमें सेम टू सेम रहता है बट इसमें आपका चेन रहता है। ओके, इन दो चीज से क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, व्हिच इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ जॉइंटिंग पाइप फिटिंग टू लिंक टू पाइप्स एट ए राइट एंगल। देखिए, पाइप फिटिंग में दो पाइप को समकोण पर जोड़ने के लिए सबसे आम प्रकार का जोड़ कौन सा है? तो इसमें बोल्ड है, हम लोग पाइप फिटिंग में दो पाइप को राइट एंगल में जोड़ेंगे। इसमें देखिए, एक आपका मेन पाइप है और इसी का साथ साथ हम लोग दो पाइप, इधर एक पाइप और इधर एक पाइप, इसको राइट एंगल में जोड़ने के लिए हम लोग बीच में क्या यूज करते हैं? बीच में हम लोग टी यूज करते हैं, टी जॉइंट का यूज करते हैं। जब आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपको चार पाइप को जोड़ना है तो तब क्या यूज करना है? तब आपको क्रॉस यूज करना होता है, क्रॉस जॉइंट। ओके, और टी जॉइंट से हम लोग करते क्या है? टी जॉइंट से हम लोग दोनों पाइप को ब्रांच अप कर देते हैं मेन लाइन से 90 डिग्री में। देखिए, ये आपका मेन लाइन था और दोनों पाइप को 90 डिग्री में हम लोग ब्रांच अप कर दे रहे हैं, मतलब उसको अलग अलग ब्रांच में 90 डिग्री में डिवाइड कर दे रहे हैं। ओके, यूनियन जॉइंट से हम लोग सिर्फ दो पाइप को जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट इज गैस्केट यूज्ड फॉर पाइप जॉइंट। देखना, जब ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल का नीचे से पानी लीकेज होने लगता है। सोचो, एक ट्यूबवेल का जो बॉडी है ना, बॉडी ऐसा है, उसका नीचे वाला हिस्सा भी ऐसा है, ठीक है, तो इन दोनों का बीच से, इधर से पानी लीकेज होता है, क्योंकि आप इन दोनों पार्ट को किससे जोड़ते हैं? आप इन दोनों पार्ट को नट और बोल्ट से जोड़े हैं, नट और बोल्ट से जोड़ते हैं। नट और बोल्ट से टाइट करने का बाद, अच्छा से कसने का बाद भी इधर से पानी लीकेज होता है। क्यों? क्योंकि इन दोनों असेंबल्ड पार्ट का बीच में गैप होता है, गैप होने का कारण पानी इधर से गिरने लगता है, और इन दोनों पार्ट का बीच में हम लोग एक गोल रिंग जैसा रबर का एक मटेरियल यूज करते हैं, गोल रिंग जैसा रबर का एक मटेरियल यूज करते हैं जिसका नाम है गैस्केट। तो गैस्केट क्या होता है? देखिए, गैस्केट ये जब भी हम लोग इसका बीच में यूज कर लेते हैं, रबर का बने होते हैं, और हम दोनों को, दोनों पार्ट को असेंबल करके जब अच्छे से कस देते हैं, तो रबर उन दोनों का बीच में जो गैप था, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा जो गैप, उस गैप को पूरा फिल कर देता है और पानी लीकेज नहीं होने देता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, टू प्रिवेंट लीकेज, रिसाव को रोकने के लिए, मतलब जहां से पानी लीकेज हो रहा था उसको बंद करने के लिए गैस्केट यूज किया जाता है, और एक गोल छल्ले का जैसा होता है, रिंग होते हैं, और ये रबड़ के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट इज द नेम ऑफ द मशीनिंग प्रोसेस व्हेयर ए रोटेटिंग मल्टी पॉइंट कटिंग टूल इज यूज्ड टू रिमूव मटेरियल। पढ़ लीजिए, उस मशीनिंग प्रक्रिया का क्या नाम है जहां सामग्री को हटाने के लिए एक घूमने वाले बहुबिंदु कटने वाले उपकरण का उपयोग किया जाता है। देखो, इस क्वेश्चन पर तो मैं ऑब्जेक्शन करने के लिए बोलूंगा, क्योंकि इसका दो आंसर हो सकता है। इसमें आपको जो बोल रहे हैं कि वो कौन सा मशीनिंग प्रोसेस है जिसमें मल्टीपॉइंट कटिंग टूल घूमते रहता है, रोटेटिंग हो रहा है, उससे जब हम लोग वर्कपीस को कॉन्टेक्ट में लाते हैं तो वर्कपीस से मटेरियल रिमूव होता है। तो इसमें देखिए, घूमने वाला ऐसा कौन सा दो मशीन है, कौन सा दो मशीनिंग प्रोसेस है? मिलिंग में भी मिलिंग कटर घूमता है, मिलिंग कटर घूमता है, वर्कपीस स्थिर रहता है, और ग्राइंडिंग व्हील में भी, ग्राइंडिंग व्हील भी एक मल्टीपॉइंट कटिंग टूल, इससे भी ग्राइंडिंग व्हील घूमता है, वर्कपीस स्थिर रहता है, जब भी हम लोग दोनों को कॉन्टेक्ट में लाते हैं तो मटेरियल रिमूव होता है। तो देखिए, ये भी आपका मल्टीपॉइंट कटिंग टूल है, ये भी आपका मल्टीपॉइंट कटिंग टूल है। मल्टीपॉइंट कटिंग टूल, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, एक इससे डिपेंड करता है। सिंगल पॉइंट हम लोग क्यों नाम दिए है, मल्टीपॉइंट क्यों नाम दिए? जब वो कटिंग होता है, सिर्फ अगर एक एज से कटिंग होता है तो उसको कहते हैं सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, जैसे लेग कटिंग टूल होते हैं। और वैसे ही जब कटिंग होता है, तब अगर दो या दो से अधिक कटिंग एज से कंटैक्ट होके मटेरियल रिमूव होता है वर्कपीस से, तो उससे कहते हैं मल्टीपॉइंट कटिंग टूल। तो मिलिंग कटर में काफ़ी सारा कटिंग एजेस होता है, काफ़ी सारा कटिंग टीथ होता है, और वो कटिंग एजेस होता है वर्कपीस का कंटेक्ट में आकर कटिंग करता है, तो ये मल्टीपॉइंट कटिंग टूल है। और ग्राइंडिंग व्हील का जो एब्रेसिव पार्टिकल है, वो भी आपका एक एक टीथ का रूप में काम करता है, वो भी एक एक टीथ का रूप में जब काम करता है
तो वो जब वर्कपीस के साथ कॉन्टेक्ट में आता है तो एक साथ काफी सारा कटिंग एजेस कॉन्टेक्ट में आता है और कटिंग करता है, ठीक है। तो इसका आंसर मिलिंग ग्राइंडिंग दोनों होता है। मिलिंग जो करके आया है एग्जैक्ट उसका राइट आंसर है। ग्राइंडिंग भी अगर आप लोग गलती से किसी ने लगाया भी है तो इसमें भी आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं ग्राइंडिंग मिल एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है, क्योंकि इसका मल्टी एजेस कटिंग करते हैं इसलिए, ठीक है। तो इसका प्रॉपर आंसर मिलिंग ही होता है। आप इसमें चाहते हैं तो ऑब्जेक्शन आप कर सकते हैं, जो स्टूडेंट को इसमें आप अगर ग्राइंडिंग लगा के आए हैं ऑप्शन करके आए हैं तो आप ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन प्रॉपर आंसर मिलिंग होता है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ फाइल इज यूज्ड फॉर फिनिशिंग फ्लैट सरफेस। समतल सतह की फिनिशिंग के लिए किस प्रकार की फाइल का उपयोग किया जाता है। किसी समतल सतह है, सपाट सरफेस है, तो उसमें जब आपको फाइलिंग करना होता है तो फ्लैट सरफेस के लिए फ्लैट फाइल की जरूरत होता है। फ्लैट फाइल नाम तो सुने होंगे, फ्लैट फाइल का क्रॉस सेक्शन होता है, क्रॉस सेक्शन इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, रेक्टेंगुलर, ओके। फ्लैट फाइल इसका जितना टोटल लेंथ होता है उसका 2/3 पोर्शन वो पैरेलल होता है विद साइड टू साइड बराबर या विद बराबर वो पैरेलल होता है 2/3 उसके लेंथ में, और 1/3 उसका जो लेंथ होता है वो टैपर होता है, ओके। टैपर कहे होता है, देखो कुछ ऐसा भी पार्ट है जो जिसका साइज काफी कम है। सोचो इसमें आपको इस इंटरनल पोर्शन में आपको फाइलिंग करना है, इस इंटरनल पोर्शन में, तो ये इसका अगर आप देखते हैं विद मान लेते 20 मिलीमीटर, तो ये अगर आपका 18 मिलीमीटर का होता तो ये तो आपका अंदर नहीं जाएगा फाइल। तो ये जब आपका टैपर हो जाता है ना, टैपर में क्या होता है, टैपर में सोचिए ये आपका आ गया 10 मिलीमीटर, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो इसका जो फ्रंट पोर्शन है इसी में इस स्लॉट में जा सकते हैं और फाइलिंग कर सकते हैं। तो इन सुविधा को प्राप्त करने के लिए फ्रंट पोर्शन को टैपर बनाया जाता है, ओके। और इसका फेस में डबल कट होता है और साइड में सिंगल कट टीथ होता है, और इसी का जो और एक सिमिलर होता है हैंड फाइल। हैंड फाइल में हैंड फाइल का क्रॉस सेक्शन भी रेक्टेंगुलर होता है और उसमें उसका टोटल लेंथ बराबर वो पैरेलल होता है, कहीं पर भी उसका टैपर नहीं रहता है, तो टोटल पैरेलल होता है। कहाँ पे यूज किया जाता है, जब एडजेसेंट किसी भी साइड, सोचिए कोई आपका राइट एंगल ऐसा वर्कपीस है, तो इसमें आपको सिर्फ इस सरफेस में आपको फाइलिंग करना है, वेट इसको चेंज कर लेता हूँ, इसमें आपको फाइलिंग करना है, इस सरफेस में जब आपको फाइलिंग करना है ना, तो आप ऐसे फाइल से आप करेंगे तो फाइल का जो एज पोर्शन है, फाइल का एज पोर्शन क्या होगा, इसका साथ कॉन्टेक्ट में आएगा। इधर मैं आपको क्या बोला हूँ, हाँ ठीक है, तो एज पोर्शन जब भी कॉन्टेक्ट में आएगा ना, नॉर्मल अगर फ्लैट फाइल यूज करते तो ये सर्फेस आपका फिनिश्ड सर्फेस, इससे भी मटेरियल आपका रिमूव हो जाएगा, तो ये आपका साइज गड़बड़ हो जाएगा, इसीलिए ये जो आपका फाइल है इसका साइड में एक साइड में टीथ नहीं होता है। क्यों नहीं होता, क्योंकि एडजेसेंट साइड को फाइलिंग करते टाइम बचाने के लिए, इसीलिए इसको सेफ एज फाइल करते हैं, क्योंकि इसका एक एज में टीथ नहीं होता और एक एज में टीथ होता है। तो जिस फाइल में सोचिए एक एज में इस एज में टीथ नहीं है तो फाइलिंग करेगा तो एज सरफेस में तो कोई असर नहीं पड़ेगा ना, तो इसीलिए हैंड फाइल का यूज किया जाता है एडजेसेंट किसी भी वर्कपीस में फाइलिंग करने के लिए, इसलिए इसको सेफ एज फाइल भी किया जाता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन वेल्डिंग नॉन फेरस मेटल सच एज कॉपर एल्यूमिनियम व्हिच टाइप ऑफ वेल्डिंग इज यूजुअली अप्लाइड। देखिए तांबे और एल्यूमिनियम जैसी एलॉय धातु की वेल्डिंग करते समय आमतौर पर किस प्रकार की वेल्डिंग का उपयोग किया जाता है। जब आपको कॉपर एल्यूमिनियम जैसा किसी एलॉय धातु का वेल्डिंग करना पड़ेगा तब आपको टीग वेल्डिंग करना है। टीग वेल्डिंग का फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, टंगस्टेन इनर्ट गैस वेल्डिंग, ओके। टंगस्टेन का इलेक्ट्रोड होता है जो नॉन कंज्यूमेबल होता है, कभी भी वो खरोच नहीं होता, मतलब इसमें इलेक्ट्रोड कभी भी
खराब नहीं, तो जैसे आप लिंक करते टाइम शुरू में जैसा आपका इलेक्ट्रोड था, वेल्डिंग करने के बाद भी आपका टंगस्टन इलेक्ट्रोड ऐसे रह जाता है, उसमें खर्चा नहीं होता है। बाकी इलेक्ट्रोड क्या था, धीरे धीरे खो जाता है, लेकिन ये जैसा पहला था वैसा रह जाता है। तो टंगस्टन का इलेक्ट्रोड होता है जो नॉन कंज्यूमेबल होता है, इसीलिए कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, नॉन कंज्यूमेबल वेल्डिंग कौन सा, टीक वेल्डिंग और इनर्ट गैस यूज किया जाता है ताकि जब वेल्डिंग करते हैं वेल्ड पूल को सील्डिंग गैस का रूप में इनर्ट गैस यूज होता है। सील्डिंग गैस मतलब सील्ड मतलब ढाक के रखते हैं ना, फेस सील कहते हैं, फेस को ढकने के लिए, जैसे कोविड आया था तो फेस सील यूज कर रहा था एयरपोर्ट में, तो उसमें जो आपका वेल्डिंग होता है आर्गन गैस वेल्ड पूल का चार पास में एक सील्डिंग बना देता है, मतलब एक घेरा बना देता है। उस घेरा में क्या होता है, कोई भी बाहर के कोई एक्स्ट्रा कोई भी मटेरियल्स कोई गैस वेल्ड पूल का साथ कॉन्टेक्ट में नहीं आ सकता, तो एक ढाल बनाने के लिए एक अलग से बैरिकेड सील्डिंग गैस बनाता है, सील्डिंग बनाता है, तो इसके लिए इनर्ट गैस यूज करते हैं। इनर्ट गैस में जैसे हम लोग यूज करते हैं आर्गन यूज करते हैं, हीलियम यूज करते हैं, आर्गन जनरल पर्पज में यूज होता है। तो टीक वेल्डिंग का जनरली यूज करते हैं हम लोग कॉपर एल्यूमिनियम और स्टेनलेस स्टील, बहुत सारा जगह में ऐसे भी क्वेश्चन पूछा था स्टेनलेस स्टील वेल्डिंग के लिए हम लोग किस वेल्डिंग करते हैं, तो आपको बोलना है टीक वेल्डिंग करना है। टीक वेल्डिंग को हम लोग GTAW वेल्डिंग भी कहते हैं, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, ये भी एक टाइप ऑफ आर्क वेल्डिंग। क्वेश्चन इससे भी पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा आर्क वेल्डिंग है, तो ये आपको बोलना है GTAW। और एक होता है मीग वेल्डिंग, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। इसमें देखिए मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग में इसमें जो इसी को और एक नाम में जाना जाता है GMAW, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, और इसमें कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है, ये इलेक्ट्रोड धीरे धीरे खर्च होता है, धीरे धीरे होता है, ओके। और इसीलिए क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि कौन सा वेल्डिंग में कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज होता है, मेन वेल्डिंग, आपको राइट आंसर करके आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच टूल इज कॉमनली यूज्ड फॉर मार्किंग प्रिसाइज मेजरमेंट ऑन मेटल सीट, धातु की सीट पर सटीक माप अंकित करने के लिए आमतौर पर किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो किसी भी धातु की सीट पर सटीक माप को अंकित करने के लिए, ड्रॉ करने के लिए कौन से मार्किंग टूल यूज होते हैं, तो स्क्राइबर, सॉरी इसमें स्क्राइबर तो नहीं दिया है, डिवाइडर दिया, तो डिवाइडर भी हो जाएगा, डिवाइडर से भी आप क्या कर सकते हैं उसमें प्रिसाइज मेजरमेंट को मार्किंग कर सकते हैं, ठीक है। और जब आपको लाइन ड्रॉ करने का के लिए बात करेगा, लाइन ड्रॉ करने के लिए बात करेगा, तब आपका हो जाएगा स्क्राइबर, ठीक है, स्क्राइबर से बने होगा। लेकिन इसमें बोला प्रिसाइज मेजरमेंट को मार्किंग कर सकते हैं, मतलब सोचिए आप स्टील रूल से 10 मिलीमीटर का आप माप ले लिया, इसके बाद आपका जो सीट मेटल है उसमें आप प्रिसाइजली माप को कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, तो इसमें प्रिसाइज मेजरमेंट मतलब उतनी सूक्ष्म मापी माप को मार्किंग करने के लिए सिर्फ डिवाइडर ही राइट आंसर हो जाएगा, डिवाइडर इज द राइट आंसर हो जाएगा। जब बोलेगा कि आपको सिर्फ लाइन ड्रॉ करना है, तो लाइन ड्रॉ करने के लिए स्क्राइबर यूज होता है जो हाई कार्बन स्टील से बने होते हैं, जिसका पॉइंट एंगल होता है 12 to 15 degree। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बिल्कुल स्क्राइबर, सॉरी डिवाइडर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ द सोन टूल इन द वर्कशॉप, कार्यशाला में दर्शाया गया उपकरण का प्राथमिक उपयोग क्या है। तो ये जो आप डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम का नाम है या इस फिगर का नाम है बेंच वाइस, जिसको इंजीनियर्स वाइस भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इंजीनियर्स आदमी यूज करता है बेंच वाइस, तो इसीलिए इंजीनियर वाइस का नाम में भी जानते हैं। और इसका जो ये फिक्स्ड जो है और ये जो मूवेबल जो है, मूवेबल जो जब मूव करते हैं फिक्स्ड जो का पैरेलल मूव करते हैं, इसलिए इसको पैरेलल जॉब वाइज भी कहते हैं, ओके। इसका जो बॉक्स नट होता है फॉस्फरस ब्रोन से बने होते हैं, और ये जो आप देख रहे हैं जो फिक्स्ड जो मूवेबल जो, ये टूल स्टील से बने होते हैं। इसका मेन जो काम होता है बेंच वाइज का, जब हम लोग वर्कशॉप में फाइलिंग हैक्सोइंग आपको रिमिंग करना है, टैपिंग करना है,
तो इन सब कार्य को करने के लिए वर्कपीस को कहीं ना कहीं आपको वर्कपीस को पकड़ना पड़ेगा। तो ये पकड़ने के लिए बेंच वाइज का यूज किया जाता है। तो होल्डिंग वर्कपीस सिक्योरली, मतलब वर्कपीस को सुरक्षित रूप में पकड़ने के लिए, कब फाइलिंग करते दौरान, हैक्सोइंग करते टाइम, टैपिंग करते टाइम, रिमिंग करते टाइम यूज किया जाता है बेंच वाइज का। बेंच वाइज को मिनिमम 106 सेंटीमीटर हाइट में फिट करना होता है और इसका जो हैंडल का लेंथ होता है 2.5 इंटू इसका जो भी नॉमिनल साइज होता है। तो नॉमिनल साइज मतलब इसका जो विड का जो जॉ होता है, सॉरी जॉ का जो विड होता है, जो इसका मोबाइल जो और फिक्स जो है जॉ का विड का 2.5 होता है हैंडल का लेंथ। और इसका साइज लिया जाता है विड ऑफ द जॉ, मतलब जबड़ा की चौड़ाई से लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द गिवन टूल इन मेटल वर्किंग। दिए गए उपकरण का धातु कर्म में क्या कार्य है। आप जिस फिगर को अब दिख रहा है इसका नाम सबसे पहले आपको जानना है, एनविल। हम लोग कब यूज करते हैं, बहुत सारा स्टूडेंट को ये भी मालूम नहीं है। फोर्जिंग में हम लोग यूज करते हैं फोर्जिंग, GING। फोर्जिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग किसी भी मेटल को सबसे पहले उसके प्लास्टिक स्टेट में लेके जाते हैं। प्लास्टिक स्टेट एक ऐसा स्टेट होता है एकदम मेटल का नर्म स्टेट हो जाता है, पिघलने से पहला वाला स्टेट होता है, मतलब पिघलता नहीं है सिर्फ नर्म हो जाता। उस टाइम हम लोग उस वर्कपीस को सीट एनविल का ऊपर ला के रखते हैं और स्लेज हमार से पीट पीट के उसका साइज को परिवर्तन करते हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है, परमानेंटली उस साइज का जो भी आप शेप बना देते, जो भी साइज बना देते उसी में परमानेंटली रह जाता है। तो किस लिए यूज होता है, ऑप्शन देख लीजिए, शेपिंग एंड फॉर्मिंग मेटल। फोर्जिंग करते टाइम गर्म वर्कपीस जब प्लास्टिक स्टेट में आ जाता है उसको आप एनविल का फेस के ऊपर रखते हैं और उसको आप स्लेज हैमर से पीट पीट के उसके शेपिंग करते हैं और फॉर्मिंग करते हैं। जिस फॉर्म में आपको चाहिए, हेक्सागन चाहिए, रेक्टेंगुलर चाहिए, उस फॉर्म में आप बना देते हैं, ओके। और एनविल किससे बनता है, हेवी ब्लॉक ऑफ कास्टील से बनता है, ओके। और इसको वुडन ब्लॉक का ऊपर प्लेस किया जाता है, वुडन ब्लॉक का ऊपर रखा जाता है एनविल को। और ये जो आप देख रहे हैं ये इसका फेस है। फेस में हम लोग जनरली क्या करते हैं, फेस में हम लोग ड्रॉइंग डाउन करते हैं और कटिंग ऑफ भी करते हैं। ड्रॉइंग डाउन में होता क्या, किसी भी आपका स्टॉक ऑफ मटेरियल है उसका क्या करते हैं, उसका क्रॉस सेक्शन को कम करके उसका लेंथ को बढ़ाते हैं, क्रॉस सेक्शन को कम करके लंबाई को बढ़ाते हैं, ठीक है। इसका जो राउंड बीक है या जो बीक पोर्शन है, बीक पोर्शन का यूज कब किया जाता है, बेंडिंग करने के लिए या आपको जब किसी भी वर्कपीस को राउंड बनाना होता है राउंड ऑफ करने के लिए भी यूज होता है, ओके। इसमें जो हार्डी होल होता है, हार्डी होल का यूज किया जाता है इंसर्ट हार्डी एंड स्टिक को इंसर्ट करने के लिए। इसमें राउंड होल होता है, इसमें एक राउंड होल भी होता है। वर्कपीस में जब आपको किसी होल बनाना पड़ेगा तो राउंड होल का यूज किया जाता है, ओके। इतना आपको समझ में आ गया है, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। और एक चीज आप याद रखिएगा, ये बनता है एनविल बनता है हेवी ब्लॉक ऑफ कास्टील जिसमें कार्बन परसेंटेज ज्यादा होता है, इसलिए कभी भी स्लेज हमर का डायरेक्ट ब्लो, डायरेक्ट मार या डायरेक्ट आप एनविल पर पिट नहीं सकते, तो वो आपका एनविल टूट जाएगा। 10th नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल दैट कैन बी यूज्ड फॉर प्रीसाइज टाइटनिंग ऑफ स्क्रू अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफाइड टॉर्क वैल्यू। उस उपकरण का नाम क्या है जिसका उपयोग निर्दिष्ट टॉर्क मानों के अनुसार स्क्रू को सटीक रूप से कसने के लिए उपयोग किया जा सकता है। एनएफएल एग्जाम होने से पहले 5 तारीख को शायद मैं एक एनएफएल पीवीएसएफ क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन दिया था जिसमें सेम इसी क्वेश्चन का मैंने डिस्कशन किया था और मैं आपको बताया था इसका राइट आंसर हो जाएगा टॉर्क रेंज। बिल्कुल सही आंसर क्वेश्चन पेपर पर दिया है। टॉर्क रेंज में होता क्या है, जब आपको किसी भी नट और बोल्ट को क्या बोला, प्रिसाइज टाइटनिंग ऑफ स्क्रू, आपको स्पेसिफिक टॉर्क में टाइट करना होगा कि इतना टॉर्क में हमको टाइट करना है, तो तब हम लोग टॉर्क रेंज का यूज करते हैं। नॉर्मली हम लोग टाइट कर देते किसी भी रेंज से, लेकिन जब आपको बोला जाएगा कि आपको
इतने टॉर्क में इस नट बोल्ट को टाइट करना है, तो तब आपको क्या यूज करना है, टॉर्क रेंज यूज करना होता है। इसलिए आपको देखिए साफ साफ बोल दे प्रीसाइज टाइटनिंग ऑफ स्क्रू अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफाइड टॉर्क वैल्यू, जो स्पेसिफाइड टॉर्क वैल्यू का चार्ट होता है उसी का अनुसार जब आपको किसी भी नट बोल्ट को टाइट करना पड़ेगा तो उसके लिए टॉर्क रेंज यूज होगा। ओके, जिस स्पेसिफाइड वैल्यू का बारे में इसमें बताया जा रहा है उसके चार्ट आपका सामने है, मैक्सिमम टाइटनिंग टॉर्क। अगर नॉट बोल्ट M4 का होता है तो उसका मैक्सिमम टाइटनिंग टॉर्क कितना हो सकता है, 2.7 होगा। टॉर्क का यूनिट होता है न्यूटन मीटर, आप लोग जानते हैं, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर M5 का होता है किसी नॉट और बोल्ट तो उसका मैक्सिमम टाइटनिंग टॉर्क 5.40 होगा, M6 के लिए 9.50, M8 के लिए 22.0 न्यूटन मीटर, और M10 का अगर नॉट बोल्ट होता है, M मतलब मेट्रिक, 10 मतलब मेजर डाया, तो M10 का जब आपका किसी नॉट और बोल्ट होगा तो उसके मैक्सिमम टाइटनिंग वैल्यू 44 न्यूटन मीटर होने वाला है। तो इस चार्ट से भी क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है, M6 का अगर नॉट और बोल्ट होते हैं तो उसमें मैक्सिमम टाइटनिंग टॉर्क कितना होगा, तो आपको बोल के आना 9.50 न्यूटन मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच कंपोनेंट ऑफ ए वाल्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग फ्लो, वाल्व का कौन सा घटक प्रभाव को विनियंत्रित या विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है। इसमें बोल रहे हैं कि किसी भी वाल्व का वो कौन सा कंपोनेंट है जो फ्लो को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, जैसे पंखे में रेगुलेटर होता है कम ज्यादा करते स्पीड को, इसमें वाल्व में भी वो कौन सा पार्ट है जो फ्लो को कंट्रोल कर सकता है, रेगुलेट कर सकता है। तो ये फ्लो कंट्रोलिंग वाल्व का डायग्राम है, मतलब जिस वाल्व में हम लोग फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें देखिए ये जो आपका नीचे सीट है, सीट के ऊपर क्या है, ये आपका डिस्क है, डिस्क वाला पोर्शन क्या होता है, जब भी आप ऐसे घुमाते हैं तो डिस्क वाला पोर्शन आपका और नीचे आ जाता है, सीट तक आ जाता है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपका सीट है और ये आपका डिस्क है, ठीक है। तो पानी जब आएगा तो आपका इससे आएगा, ठीक है। तो जब आप क्या करेंगे, इसको टाइट करेंगे तो ये आपका डिस्क क्या होगा, सीट में आके बैठ जाएगा, तो पानी अंदर नहीं जा पाएगा, तो डिस्क आप कम ज्यादा करके फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। तो डिस्क इज द राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो फ्लो कंट्रोल वाल्व में फ्लो को कंट्रोल करने के लिए वाल्व का डिस्क पार्ट काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल दैट इज कॉमनली यूज्ड टू मेजर द डेप्थ ऑफ ए ड्रिल होल, उस उपकरण का नाम क्या है जिसका उपयोग आमतौर पर ड्रिल किए गई छेद की गहराई मापने के लिए उपयोग किया जाता है। तो कौन सा टूल है या कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग किसी भी वर्कपीस पर ड्रिल करके बनाया गया होल का डेप्थ को मेजर कर सकते हो, तो इसका नाम है डेप्थ गेज, ठीक है, डेप्थ गेज या वर्नियर डेप्थ गेज। इसका लीस्ट काउंट होता है 0.02 मिलीमीटर। इससे हम लोग किसी भी स्लॉट, किसी भी रिसेस, किसी भी ग्रुप्स का डेप्थ को चेक कर सकते हैं, मतलब मेजर कर सकते हैं। वर्नियर कैलिपर का डेप्थ गेज से भी हम लोग कर सकते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, व्हिच टूल इज यूज्ड टू क्रिएट इंटरनल थ्रेड्स इन ए होल, छेद में आंतरिक थ्रेड बनाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो देखिए किसी आपका एक वर्कपीस है, वर्कपीस में सबसे पहले आप ड्रिल करके होल बनाते हैं, तो इस होल में जब आपको थ्रेड कटना होगा तो आपको यूज करना होता है टैप, टैप इंटरनल थ्रेड कटिंग करने के लिए एक टूल है, कटिंग टूल है। इसको बनाया जाता है जनरली हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील से बनाया जाता है, और इसको हार्डन और ग्राउंड करके बनाया जाता है। हार्ड होता है इसीलिए दूसरे मेटल पर जाके थ्रेड कर सकता है, और इसको ग्राइंडिंग करके प्रॉपर शेप में बनाया जाता है। थ्री टाइप्स ऑफ टैप होता है, पहला होता है टैपर टैप या फास्ट टैप, सेकेंड होता है इंटरमीडिएट टैप या सेकेंड टैप, थर्ड होता है बॉटमिंग टैप या प्लग टैप। टैपर टैप में फ्रंट पोर्शन का जो चैम्फर एंगल होता है 4 डिग्री होता है, इंटरमीडिएट टैप का होता है 10 डिग्री चैम्फर एंगल, और बॉटमिंग टैप या प्लग टैप का जो चैम्फर पोर्शन का एंगल होता है 20 डिग्री होता है। क्वेश्चन आपको कभी कभी ये भी पूछा जाता है ब्लाइंड होल में जब आपको
थ्रेड कटना होगा, किस टैप का यूज करना है, तो आपको बॉटमिंग टैप का यूज करना है। तो बी बी से आपको थोड़ा याद रखिए, बॉटमिंग टैप मतलब ब्लाइंड होल में यूज होगा, ये आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, व्हिच मटेरियल इज कॉमनली यूज्ड फॉर मेकिंग गैस्केट इन फिटिंग एप्लीकेशन। फिटिंग अनुप्रयोग में गैस्केट बनाने के लिए आमतौर पर किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, गैस्केट क्या होता है, कहाँ पर यूज किया जाता है, किस मटेरियल से बनता है, मैं आपको डिटेल में समझाया हूँ। तो इसका तो आंसर रबर हो जाएगा, आप सभी स्टूडेंट जानते हैं, तो रबर बिल्कुल सही आंसर इसमें दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, व्हिच टूल इज कॉमनली यूज्ड फॉर मार्किंग मेजरमेंट एक्यूरेटली इन फिटिंग। फिटिंग में माप के सटीक रूप से अंकित करने के लिए आमतौर पर किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन पढ़ लीजिए, प्रोटेक्टर, ट्राइस्कर, माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर। आप वर्नियर कैलिपर भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें बोला है देखिए मेजरमेंट एक्यूरेटली इन फिटिंग, तो किसी भी मेजरमेंट को किसी भी फिटिंग पार्ट में जाके जब आप एक्यूरेटली मार्क करते हैं तो इसके लिए कौन सा टूल यूज होगा, बहुत सारा स्टूडेंट कंफ्यूज है, वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर आप कर सकते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्राई स्क्वायर, जिसको हम लोग हिंदी में गुनिया कहते हैं। ट्राई स्क्वायर का काम क्या होता है, ये जो आपका ट्राई स्क्वायर होता है इसका ब्लेड होता है, ये इसका स्ट्रोक होता है, ठीक है, डिटेल में देख लीजिए। ब्लेड में आपका स्केल रहता है, इसमें स्केल रहता है मेजरमेंट करने के लिए, और ये आपका स्टॉक पोर्शन होता है, और ये जो आपका स्केल है, स्केल से हम लोग किसी भी फिटिंग वर्कपीस में मेजरमेंट को प्रिसाइजली मार्किंग कर सकते हैं, क्योंकि स्केल आपका इधर दिया है, तो आप इसको किसी भी और एक वर्कपीस का साथ 90 डिग्री में रख के आप मार्किंग कर सकते हैं। ओके, ट्रेस्कर का साइज कैसे लिया जाता है, ब्लेड का लंबाई से लिया जाता है, इससे भी क्वेश्चन पूछता है, तो द साइज ऑफ ट्रेस्कर इज टेकन बाय तो साइज ऑफ द ब्लेड। ओके, इसका ब्लेड का साइज क्या होता है, जनरली 100 मिलीमीटर होता है, 150 मिलीमीटर होता है, 200 मिलीमीटर होता है, ये तीन आपको स्टैंडर्ड वैल्यू याद रखना है, कभी कभी आपको 250 भी बोला जाता है, ये 250 तब नहीं होगा, 100 150 200 होता है। ओके, ट्रेस्कर बनाया जाता है हार्डेन स्टील से, और ट्राइस्कर का यूज किया जाता है किसी भी वर्कपीस का स्क्वायरनेस को चेक करने के लिए, उसका 90 डिग्री को चेक करने के लिए। ओके, और इससे हम लोग किसी भी वर्कपीस को 90 डिग्री एंगल में मार्क कर सकते हैं, और इसका जो ब्लेड है, ब्लेड से कभी कभी, ये कंपलसरी कुछ नहीं है, कभी कभी हम लोग स्ट्रेटनेस को भी चेक कर सकते हैं वर्कपीस का, ये आपको याद रखना है, जैसे हम लोग स्ट्रेटेज यूज करते हैं स्ट्रेटनेस चेक करने के लिए वर्कपीस का, फ्लैट सरफेस का, वैसे हम लोग ब्लेड से भी इसका ब्लेड का उपयोग करके भी हम लोग कर सकते हैं। इसका लीस्ट काउंट कितना होता है, इसका एक्यूरेसी होता है 0.002 मिलीमीटर पर 10 मिलीमीटर लेंथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, जिस क्वेश्चन का आंसर गलत है मैं आपको बताऊंगा, पूरा वीडियो देखिए। नेम द टूल दैट इज यूज टू मेजर द स्ट्रेटनेस ऑफ ए सरफेस और शाफ्ट। इसमें देखिए बहुत सारा स्टूडेंट कंप्लेंट करने वाले हैं, आपका 200 रुपया चला जाएगा, 200 रुपया आपका चला जाएगा। देखिए इसमें क्वेश्चन को पढ़िए, उस उपकरण का नाम बताएं जिसका उपयोग किसी सतह या शाफ्ट की सीधीता को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। स्ट्रेटनेस के बारे में बात किया, पैरालिज्म के बारे में बात नहीं किया है। पैरालिज्म बोलता तो DTI हो जाता, डायलेटेड इंडिकेटर होता है, लेकिन इसमें आपको बोला है स्ट्रेटनेस को चेक करना है किसी भी फ्लैट सरफेस या किसी भी शाफ्ट का। किसी आपका शाफ्ट है उसका स्ट्रेटनेस को आप चेक कर सकते हैं, किसी फ्लैट सरफेस है उसका स्ट्रेटनेस को चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको स्ट्रेट एज यूज करना होता है, स्ट्रेट एज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट इसका डायल टेस्ट इंडिकेटर करने वाला है। डायल टेस्ट इंडिकेटर हम लोग क्या करते हैं, किसी भी शाफ्ट या बार का पैरालिज्म को चेक करते हैं, किसी भी प्लेन सरफेस का फ्लैटनेस या पैरालिज्म को चेक करते हैं, फ्लैटनेस या पैरालिज्म का चेक करते हैं प्लेन सरफेस का, और शाफ्ट का क्या करते हैं, शाफ्ट का भी हम लोग पैरालिज्म चेक करते हैं, किसी भी होल का कॉन्सेंट्रिसिटी चेक करते हैं। तो इन सब पर्पस के लिए डायल टेस्ट इंडिकेटर होता है, लेकिन सरफेस या शाफ्ट का जब आपको स्ट्रेटनेस बोल दिया, स्ट्रेटनेस के लिए स्ट्रेटेज यूज होगा, तो इस पर आप ऑब्जेक्शन मत कीजिए, आपका 200 रुपया फालतू में चला जाएगा।
17 नंबर क्वेश्चन, व्हिच प्रोसेस इन्वॉल्व्स जॉइनिंग मेटल पीसेस बाय मेल्टिंग देम टुगेदर, किस प्रक्रिया में धातु के टुकड़ों को पिघलकर एक साथ जोड़ना शामिल है। पहला बात मैं आपको बता देता हूँ, मेरा मदर टंग हिंदी नहीं है, मैं हिंदी पढ़ने का कोशिश कर रहा हूँ, इंग्लिश का सतत हिंदी पढ़ देता हूँ तो काफ़ी सारा स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा इसमें हेल्प मिलता है, तो हिंदी में कोई गड़बड़ी होता है तो इसके लिए थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। इसमें बोला है किस प्रक्रिया में धातु के टुकड़ों को पिघलकर एक साथ जोड़ा जाता है, मतलब वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें हम लोग दो मेटल पीस को पिघलकर जोड़ते हैं, इसको ओइलिंग कहते हैं। ओइलिंग में हम लोग दो मेटल पीस को जोड़ने के लिए मेटल पीस को, बेस मेटल को पिघलते हैं और फिर इन दोनों का बीच में हम लोग ज्वाइंट कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका ओइलिंग होता है, ओइलिंग में कौन सा ओइलिंग, ये आपका फ्यूजन ओइलिंग राइट आंसर हो जाएगा, फ्यूजन ओइलिंग। फ्यूजन ओइलिंग में बेस मेटल को पिघलना पड़ता है, इसके लिए आपको कोई भी फिलर रॉड का जरूरत नहीं पड़ता, आप एक्सटर्नली कर भी सकते हैं। और नॉन फ्यूजन वेल्डिंग, जैसा अगर नॉर्मली बात करता हूँ स्पॉट वेल्डिंग की अगर बात करता हूँ, ठीक है, तो जैसे रेजिस्टेंस वेल्डिंग है, तो ये आपका क्या है, बेस मेटल को पिघलने का कोई जरूरत नहीं पड़ता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, इन एन इंजीनियरिंग ड्रॉइंग व्हाट डज द सिंबल डाया रिप्रेजेंट, तो इसमें जो आपका दिया है फाइव, तो फाइव क्या इंडिकेट करता है, डायमीटर डायमेंशन को इंडिकेट करता है, तो फाइव से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी राउंड पीस का डायमीटर को जब इंडिकेट करते हैं तो आपको डाय 20 ऐसे आप लिखते हैं ना, फाइव 20 आप लोग लिखते हैं, तो इसे डायमीटर इंडिकेट होता है, तो इसका भी आंसर बिल्कुल सही दिया है आंसर कीपर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, व्हिच टाइप ऑफ पावर टूल इज कॉमनली यूज्ड फॉर ड्रिलिंग प्रिसाइज होल इन मेटल वर्कपीस, धातु के वर्कपीस में सटीक छेद करने के लिए आमतौर पर किस प्रकार के बिजली उपकरण का उपयोग किया जाता है, ओके, बेंच ग्राइंडर, एंगल ग्राइंडर, सर्कुलर सो, सर्कुलर सो मतलब आपका हेक्सो के बारे में बात कर रहा है, ओके, और ड्रिल प्रेस। तो इसी में देखिए ग्राइंडर काहे यूज करेंगे, हमको क्या बोल रहा है, हमको बोला जा रहा है किसी भी मेटल वर्कपीस में आपको प्रिसाइजली ड्रिलिंग करना है, तो ड्रिलिंग करने के लिए आपको ड्रिल का यूज करना पड़ेगा, ड्रिल प्रेस का यूज करना पड़ेगा। तो इसमें देखिए ड्रिल का इन तीनों ऑप्शन में कुछ है, ये ग्राइंडर है, ये आपका सर्कुलर सॉ, ये आपके हेक्सो का बारे में बात करो जो आपका पावर हेक्सो में आता है। ड्रिल प्रेस है, ड्रिल प्रेस में कौन सा आपका आता है, जैसे आपका बेंच ड्रिलिंग मशीन होता है, पिलर ड्रिलिंग मशीन होता है, उसमें आप क्या करते हैं हैंडल को प्रेस करके तो तब आपका ड्रिल वर्कपीस में आता है और कंटेक्ट में आकर ड्रिल बनाता है, इसी को ड्रिल प्रेस कहते हैं, मतलब आप ड्रिलिंग मशीन का बात कर रहे हैं, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं ड्रिलिंग में प्रेस करते हैं हैंडल को और आप ड्रिल भी वर्कपीस में होल बनाते हैं, इसीलिए इसको ड्रिल प्रेस कहते हैं। जैसे ड्रिलिंग मशीन, पिलर ड्रिलिंग मशीन होता है, ओके, तो ये सब बेंच ड्रिल प्रेस है, तो ड्रिल प्रेस से हम लोग वर्कपीस में एक्यूरेटली होल बना सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल दैट इज कॉमनली यूज्ड टू शेप मेटल और वुड बाय रोटेटिंग इट अगेंस्ट फिक्स्ड कटिंग टूल, उस उपकरण का नाम क्या है जिसे आमतौर पर एक निश्चित कटने वाले उपकरण के विरुद्ध घुमाकर धातु या लकड़ी को आकार देने के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें आपको क्या बोल रहे हैं, वो कौन सा टाइप ऑफ मशीन टूल है जिसमें वर्कपीस रोटेटिंग होता है, कटिंग टूल स्थिर रहता है और दोनों जब कांटेक्ट में होता है तो वर्कपीस से मटेरियल रिमूव होता है, तो ये आपका लेथ का बारे में बात कर, लेथ मशीन में ऐसा होता है वर्कपीस आपका रोटेटिंग होता है, कटिंग टूल आपका फिक्स्ड रहता है, दोनों कांटेक्ट में आने के बाद कटिंग होता है, तो लेथ इज द राइट आंसर हो जाएगा। और इसके लेथ का ऑपोजिट होता है मिलिंग मशीन में, मिलिंग में आपका वर्कपीस स्थिर रहता है, कटिंग टूल रोटर होता है, तो कटिंग टूल का साथ जब वर्कपीस कांटेक्ट में आएगा तो कटिंग होगा। व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज कॉमनली यूज्ड टू वेरीफाई द अलाइनमेंट ऑफ मशीन टूल कंपोनेंट्स ड्यूरिंग इंस्पेक्शन, निरीक्षण के दौरान मशीन उपकरण घटकों को संरेखण को सत्यापित करने के लिए आमतौर पर किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, इंस्पेक्शन का दौरान जब आप किसी भी मशीन का इंस्पेक्शन करते हैं तो
इंस्पेक्शन करते टाइम जब मशीन के अलाइनमेंट को आप वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई करने के लिए आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो, तो स्प्रिट लेवल राइट आंसर हो जाएगा, स्प्रिट लेवल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो स्प्रिट लेवल देखिए, सोचिए ये मेरा अब बोर्ड है, बोर्ड प्रॉपरली अलाइंड है कि नहीं, मतलब किसी तरह झुक गया है, इस तरफ झुक गया या इस तरफ झुक गया, ये तो ये आपका प्रॉपर अलाइन नहीं है। तो उसको दिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये स्प्रिट लेवल है, एकदम बोर्ड को ऊपर जाके ऐसे रखना पड़ेगा। उसमें क्या रहता है, स्प्रिट लेवल में एक आपका कार्ब ग्लास रहता है, ऐसे कार्ब ग्लास रहता है जिसको कहते हैं वायल, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें एक इंडस्ट्रियल लिक्विड रहता है, इंडस्ट्रियल एल्कोहल रहता है जिसको स्पिरिट कहते हैं, ओके। और इसके बीच में एक एयर बबल्स फंसाया जाता है, और एक किसमें काम करता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी का, फोर्स ऑफ ग्रेविटी में काम करता है। तो जो इसका वायल का जो एक पॉइंट है, मेन पॉइंट है, मार्क है, उसका साथ जब आपका बबल्स मेन इस दाग में आ जाएगा, मतलब क्या है, आपका मशीन या मेरा बोर्ड परफेक्ट अलाइनमेंट है। अगर ये आपका मार्क ये तो इधर ही रहेगा, और बबल्स अगर इधर आ गया, मतलब क्या है, इस तरफ थोड़ा झुका हुआ है आपका मशीन, अगर बबल्स इधर आ गया मतलब मशीन इस तरफ थोड़ा झुका हुआ है, इससे हम लोग किसी भी मशीन का अलाइनमेंट को चेक कर सकते हैं। ठीक है, देखो इसका जो एक्यूरेसी होता है 0.02 से 0.05 पर 1000 मिलीमीटर, 0.02 से 0.05 पर 1000 मिलीमीटर इसका एक्यूरेसी होता है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन आपको ऐसा पूछा जाता है, वो कौन सा स्प्रिट लेवल है जिससे हम लोग किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस का अलाइनमेंट और वर्टिकल सरफेस का अलाइनमेंट दोनों को हम लोग एक ही टूल से आप चेक कर सकते हैं। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्लॉक स्प्रिट लेवल, इसका सामने सिर्फ ब्लॉक लगा लीजिए, उसमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों वर्कपीस का आप अलाइनमेंट को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द मोस्ट सुटेबल मेथड फॉर ज्वाइनिंग टू थिन शीट मेटल टुगेदर। इसमें देखिए बोला दो पतली धातु की शीट को एक साथ जोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त विधि क्या है। तो दो पतले शीट को जब आपको जोड़ना है तो सबसे परफेक्ट विधि होता है रिवेट। रिवेट एक परमानेंट फास्टनर होता है, परमानेंटली वो उसमें आप उसको जोड़ सकते हैं। रिवेटिंग, सोल्डरिंग, वेल्डिंग और बोल्टिंग, तो वेल्डिंग करने का कोई जरूरत नहीं। पतला सीट के बारे में बोला, पतला सीट के लिए कहे आप वेल्डिंग करने जाएंगे, रिवेट से जोड़ दीजिए। जैसे आप किसी भी देखना घर पे जो टीना होता है ना, टीन होता है जिसमें कोई आप खाना वगैरह कुछ रखते हैं, वो भी पतले सीट है, उसको जोड़ने के लिए हम लोग रिवेट का यूज करते हैं। तो सीट मेटल को हम लोग रिवेट से जोड़ते हैं, वो जगह में थोड़ी ना वेल्डिंग करेंगे तो बेस मेटल पूरा पिघल जाएगा, वेल्डिंग ही नहीं हो पाएगा, ओके। तो इसके लिए रिवेटिंग सही रहेगा। जो टीन का बात किया, टीन का कंटेनर का बात किया हूं, टीन का कंटेनर देखना ऐसा होता है, टीन का कंटेनर देखना ऐसा होता है, उसमें आपका तो पूरा टीन रहता है, टीन को आप ऐसे मोड़ के आप क्या करते हैं, रिवेट से जोड़ देते, तो पतला सीट में आपका वेल्डिंग तो नहीं होगा, वो तो पूरा आपका पिघल जाएगा, कहां जोड़ेगा, ओके। इसी का बारे में मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, Which gas is commonly used in breathing operation to create a controlled atmosphere? Controlled atmosphere मतलब क्या है? Shielding atmosphere मतलब बाहर किसी भी गैस का साथ आपका breathing जहां हो रहा है वो contact ना आए, इसलिए हम लोग shielding gas का रूप में, shielding gas मतलब जो shield बना सकता है, जो ढाल बना सकता है breathing जहां हो रहा है उसका आस चार पास में, ठीक है। तो कंट्रोल एटमॉस्फेयर उसी को कह रहे हैं। नियंत्रित वातावरण बनाने के लिए ब्रेजिंग ऑपरेशन में आमतौर पर किस गैस का उपयोग किया जाता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एसिटिलीन, आर्गन। आर्गन गैस का यूज किया जाता है क्योंकि ऑलवेज इनर्ट गैस शील्डिंग गैस के रूप में काम करता है, यही शील्ड बना देता है ब्रेजिंग का आस चार पास में। तो वो जहां ब्रेजिंग हो रहा है बाहर का किसी भी गैस फॉरेन मटेरियल से कॉन्टेक्ट नहीं आता है, तो ब्रेजिंग आपका परफेक्ट होता है। तो देखिए इसमें पढ़ लीजिए, शील्डिंग गैस इसलिए यूज होता है, शील्डिंग गैस यूज टू प्रोटेक्ट द मोल्टेन ऑयल पूल अगेंस्ट एलिमिनेट एलिमेंट्स इन द एटमॉस्फेयर सच एज नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो देखिए अगर शील्डिंग गैस यूज नहीं करते हैं तो उसमें क्या होगा, वो आपका सीड नहीं बनाएगा, जहां ब्रेजिंग हो रहा है उसका चारपास में वो वातावरण मतलब उसको ढाल नहीं बनाएगा, तो डायरेक्ट किसका साथ कॉन्टैक्ट होगा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन का साथ कॉन्टैक्ट होगा, और कंटामिनेट होने के बाद जो आपका ब्रेजिंग होगा वो आपका पोरस ब्रेजिंग होगा, ब्रेजिंग आपका साउंड ब्रेजिंग नहीं होगा, मतलब परफेक्ट ब्रेजिंग नहीं होगा। इसीलिए हम लोग इनर्ट गैस का यूज करके सीलिंग बना देते हैं और उसमें किसी भी बाहर के एटमोस्फेयर से नाइट्रोजन हाइड्रोजन जैसा गैस नहीं
ब्रेजिंग में ऐड हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू लुब्रिकेट मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीनरी रेगुलरली। मशीनरी के गतिशील हिस्सों के नियमित रूप से चिकनाई देना क्यों महत्वपूर्ण है। इसमें बोल रहे हैं मशीनरी का कुछ मूविंग पार्ट्स है जहां पे लुब्रिकेंट देना इंपॉर्टेंट है, तो लुब्रिकेंट क्यों हम लोग देते हैं दो मूविंग पार्ट का बीच में। जैसे नॉर्मली मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप लेड पर काम किए हैं, लेड मशीन में देखना जब आप डेड सेंटर को यूज करते हैं और डेड सेंटर में जब वर्कपीस को आप होल्ड करवाते हैं तो उसमें होता क्या है, उसमें सबसे पहले आप डेड सेंटर में थोड़ा सा ग्रीस लगा देते। क्यों लगाते हैं ग्रीस, तो एक टाइप ऑफ सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट क्यों यूज करते हैं, क्यों देखिए जो आपको वर्कपीस हो वर्कपीस है वो रोटेटिंग होगा, वो आपका गतिशील है, वो घूमते रहेगा और ये आपका जो पार्ट है, कौन सा पार्ट है जो आपका डेड सेंटर है वो भी वो क्या रहेगा, वो स्थिर रहेगा। तो देखिए डेड सेंटर में हम लोग वर्कपीस को फिट करते हैं तो ये आपका वर्कपीस घूमेगा, डेड सेंटर आपका स्थिर रहेगा, तो इसमें फ्रिक्शन होता है क्योंकि इसमें एक पार्ट आपका गतिशील है। दो पार्ट भी गतिशील होगा तब भी फ्रिक्शन होगा, दो मूविंग पार्ट्स में भी फ्रिक्शन होता है। लेकिन एक चीज आप जान लीजिए, जहां पे एक पार्ट स्थिर है और दूसरा पार्ट रोटेटिंग है उधर ज्यादा फ्रिक्शन होगा, किसका तुलना में, जहां दो पार्ट रोटेटिंग हो रहा है उसका तुलना में। ठीक है, तो सोचिए कुछ ऐसा पार्ट है जहां पे दोनों पार्ट रोटेटिंग हो रहा है, या कुछ ऐसा भी जगह है कुछ मतलब जो लेद मशीन में है डेड सेंटर स्थिर है और सिर्फ वर्कपीस रोटेट हो रहा है, इस जगह में हम लोग लुब्रिकेंट क्यों यूज करते हैं, ताकि इसमें फ्रिक्शन जो हो रहा है फ्रिक्शन को कम कर सके। फ्रिक्शन हो गए क्योंकि दोनों पार्ट आपस में कंटेक्ट में आ रहा है और फ्रिक्शन होने का कारण धीरे धीरे हीट जनरेट होगा, धीरे धीरे हीट जनरेट होगा तो उसका हार्डनेस में कमी होगा, हार्डनेस धीरे धीरे खराब होगा, तो हार्डनेस खोने का बाद वो पार्ट दोनों पार्ट धीरे धीरे वियर हो जाएगा, धीरे धीरे घिस जाएगा, घिस जाने के बाद वो पार्ट खराब हो जाएगा, दोनों पार्ट खराब हो जाएगा। और इसी से बचाने के लिए हम लोग दोनों पार्ट का बीच में लुब्रिकेंट यूज कर देते हैं। लुब्रिकेंट यूज कर देते तो क्या होता है, वो लुब्रिकेंट स्लिप करता है, मतलब उसमें फ्रिक्शन इसका बॉडी में इसको घिसने नहीं देता, वो लुब्रिकेंट बीच में आ जाता है तो उसके ऊपर स्लिप होता है, उसमें फ्रिक्शन होने नहीं देता, फ्रिक्शन को मिनिमाइज कर देता है, कम कर देता है, बिल्कुल नहीं होने देता ऐसा कुछ नहीं, लेकिन फ्रिक्शन को कम कर देता है। फ्रिक्शन कम होगा तो हीट भी कम जनरेट होगा, हीट जब ज्यादा आपका नहीं पहुंचेगा तो आपका मशीन का पार्ट धीरे धीरे घिसने का, खराब होने का, हार्डनेस खराब होने का कोई चांस नहीं रहेगा, इसीलिए लुब्रिकेंट यूज किया जाता है। तो आपको पूरा समझ में आ गया, तो टू रिड्यूस वियर एंड टियर, टूटे फूटे को कम करने के लिए, टूटे फूटे आपका कब होगा, जब दोनों मीटिंग पार्ट आपका कॉन्टेक्ट में आ रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है, उसमें आप अगर लुब्रिकेंट यूज नहीं किया तो धीरे धीरे उसका टेम्परेचर हाई होगा और धीरे धीरे उसका हार्डनेस खराब होगा और वो धीरे धीरे घिसने लगेगा, वो पार्ट खराब हो जाएगा। तो अगर बीच में आप लुब्रिकेंट यूज कर देते तो वो उस फ्रिक्शन भी कम हो जाएगा, फ्रिक्शन कम होने से हाई टेम्परेचर नहीं जाएगा, उसका हार्डनेस में भी उसका कुछ बिगड़ेगा नहीं और ये आपका घिसने का कोई चांसेस नहीं होगा। एक दूसरे का ऊपर रगड़ते रहेगा ना तो धीरे धीरे तो दो पार्टी घिसने लगेगा ना, तो सिंपल बात है, बीच में आप भेजनी लगा दीजिए, ग्रीज लगा दीजिए, उसमें फ्रिक्शन कम हो जाएगा और उससे उसी का कारण उसमें टूटने का फूटने का कोई चांसेस नहीं रहेगा। Which operation is commonly performed to modify the shape or size of component in fitted thread? Fitted thread में component के आकार या आकार को संशोधित करने के लिए आमतौर पर कौन सा ऑपरेशन किया जाता है। इसमें देखिए, इसमें किसी आपको एक वर्कपीस दिया है, ऐसा सोचिए किसी एक आपका रेक्टेंगुलर वर्कपीस दिया है, ये आपका 40 है और ये आपका 20 है सोचिए, ठीक है। तो फिटर ट्रेड का किसी स्टूडेंट को इसको दिया गया है और इसका साइज को थोड़ा सा मॉडिफाई करने के लिए बोला है और शेप को थोड़ा सा भी मॉडिफाई करने के लिए बोला है, तो आप किससे कर सकते, ब्रेजिंग से तो नहीं कर सकते, ब्रेजिंग एक जॉइनिंग प्रोसेस है। मेंटेनेंस आप क्या करेंगे, मेंटेनेंस किसी भी जो पार्ट है उसमें आप मेंटेनेंस करेंगे तो उसमें आप उसको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करेंगे, ब्रेकडाउन से आप बचाने के लिए करते हैं। पॉलिशिंग से क्या होता है, पॉलिशिंग से उसका चिकनाई बढ़ते हैं, उसका आप चमकीला टाइप होता है, सरफेस फिनिश अच्छा होता है।
लेकिन जो ग्राइंडिंग होता है, ग्राइंडिंग एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है, इससे क्या होगा, इससे जब आप फिटर रेट का किसी भी स्टूडेंट इस वापिस को लेके जाएगा और इसको धीरे धीरे घिसने लगेगा तो सोचिए इसको क्या कर दे, हम लोग 20 कर दे, बाकी पार्ट को काट के रिमूव कर दे, तो ये आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बन गया ऐसा बन गया। तो इससे आपका क्या हो गया, इससे जो आपका साइज था, साइज भी आपका मॉडिफाई हो गया और इसका शेप जो रेक्टेंगुलर था वो देखिए वो भी आपका मॉडिफाई होकर स्क्वायर हो गया। तो किसी भी फिटर फिट का स्टूडेंट कोई भी वर्कपीस का साइज और शेप को मॉडिफाई या उसको प्रॉपर शेप में बनाने के लिए किस ऑपरेशन करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन अच्छा लगता है, वो फिर निम्मी का क्वेश्चन में पढ़ पढ़ के न थक चुके हैं, उसको उससे थोड़ा अलग है तभी मजा आता है पढ़ाने में भी, वो सेम क्वेश्चन कितना बार पढ़ा है। ठीक है, देखिए 26 नंबर क्वेश्चन, इन द ड्रिलिंग टेक्निक डैश इज कॉमनली यूज्ड फॉर मेकिंग होल्स इन मेटल विथ हाई एक्यूरेसी। ड्रिलिंग तकनीक में डैश का उपयोग आमतौर पर उच्च सटीकता के साथ धातु में छेद करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्विस्ट ड्रिल। ठीक है ब्रॉड पॉइंट ड्रिल, मैसनरी ड्रिल, नॉन ऑफ दिस, तो ये तीन आंसर नहीं होगा क्योंकि इससे उतने हाई एक्यूरेसी, उतने प्रिसाइजली आप होल नहीं बना सकते वर्कपीस के ऊपर। तो इसलिए बोला ड्रिलिंग टेक्निक का वो कौन से ड्रिल है जिससे हम लोग किसी वर्कपीस में हाई एक्यूरेसी का साथ, हाई प्रिसिशन का साथ हम लोग होल बना सकते। तो ये आपका ट्विस्ट ड्रिल राइट आंसर हो जाएगा, जिसको बनाने के लिए HSS हाई स्पीड स्टील यूज होता है, जिसका कॉम्बिनेशन होता है 18:4:1 TCV, मतलब ये आपका टंगस्टन क्रोमियम और वैनेडियम, मैं ऐसे ही याद रखा हूँ, ये मेरा ट्रिक्स है। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन, इन मेटल वर्किंग ऑपरेशन व्हिच मेटल इज ऑफन यूज्ड एज ए लुब्रिकेंट। धातु के कामकाज में किस सामग्री का उपयोग अक्सर स्नेह के रूप में उपयोग किया जाता है। तो देखिए लुब्रिकेंट थ्री टाइप्स होता है, सॉलिड, सेमी सॉलिड और लिक्विड। सॉलिड में आता है ग्राफाइट जो राइट आंसर हो जाएगा, सेमी और एक सॉलिड होता है मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड होता है, सेमी सॉलिड में आता है ग्रीस, वक्स और लिक्विड लुब्रिकेंट में आपका लिक्विड जो भी होता है वो राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो इसमें ग्राफाइट राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 28 नंबर क्वेश्चन, व्हिच मेथड इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन पाइप फिटिंग टू कनेक्ट टू पाइप्स टुगेदर विदाउट द नीड ऑफ वेल्डिंग। देखिए वेल्डिंग की आवश्यकता के बिना दो पाइप को एक साथ जोड़ने के लिए पाइप फिटिंग में किस विधि का सबसे उपयोग किया जाता है। देखिए दो पाइप आपको जोड़ना है, दो पाइप को आप जोड़ सकते हैं एक वेल्डिंग करके। देखना बाहर जहां पे आप पानी का कनेक्शन दे रहा है, सब जो मोदी सरकार से आप पानी का कनेक्शन घर घर पर दिया जा रहा है, उसमें देखना जहां पर भी रास्ते में खाल खोद रहा है ना, गड्ढा खोद रहा है, उसमें पाइप डाल रहा है, तो पाइप को वो जगह में कैसे ज्वाइन करता है, वेल्डिंग करके दो पाइप को ज्वाइन कर देता है, या इंडियन ऑयल का या गैस जो आपका और एक है ना ONGC का जो गैस पाइप है, वो जब मिट्टी का नीचे से लेके जाता है तो वो सब बड़ा बड़ा पाइप को जोड़ने के लिए डायरेक्ट वेल्डिंग कर देता है, स्पॉट में जाके वेल्डिंग करता है। वेल्डिंग से आप दो पाइप को जोड़ सकते हैं, और जहाँ पे आपको वेल्डिंग ऑप्शन नहीं मिलेगा तो वो जगह में आप दोनों पाइप को कैसे जोड़ सकते हैं, वो जगह में दोनों पाइप कैसे जोड़ सकते हैं, देखने घर पे जब भी ट्यूबवेल बनाते हैं दोनों पाइप को जोड़ने के लिए डाई और टैप का यूज किया जाता है। उसमें एक पाइप में एक्सटर्नल थ्रेड करते हैं, दूसरे पाइप में इंटरनल थ्रेड करते हैं डाई और टैप के माध्यम से, उसके बाद जोड़ देते हैं। इसीलिए बोला है जहाँ पे आप ऑयलिंग नहीं कर रहे दो पाइप को जोड़ने के लिए, वो जगह में दो पाइप को जोड़ने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप थ्रेडेड कनेक्शन कर सकते हैं, इंटरनल थ्रेड और एक्सटर्नल थ्रेड करके आप दो पाइप को जोड़ सकते हैं। देखिए बाहर में जो गैस पाइप होता है, पानी का बड़ा बड़ा पाइप होता है, ऑयल पाइप होता है, वो बड़ा पाइप है, बहुत बड़ा लंबा लंबा 100-200 मीटर का जो लंबा पाइप होता है, उसको आप थ्रेड करके कभी भी जोड़ सकते हैं। थ्रेड आपका तभी जाके ये आपका सोचिए एक पाइप है या दूसरा पाइप है, तभी जाके ये इसका थ्रेड में मैच होगा जब वो दोनों एक साथ ऐसा आएगा, एक आपका थ्रेड पाइप ऐसा है एक पाइप ऐसा है, आप कभी भी इसको थ्रेडिंग कनेक्शन कर सकते नहीं कर सकते। तो ऐसे दो बड़ा बड़ा पाइप जब आपका सामने रहेगा, वो ऑयल पाइप या जो भी गैस पाइप है, तो उसको कभी ऐसे अलाइनमेंट रखना सही मतलब पॉसिबल है, कभी आप नहीं रख सकते, प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं रहेगा, इसलिए वो थ्रेड कनेक्शन नहीं किया जाता, उसमें वेल्डिंग डायरेक्टली किया जाता है। घर का पाइप छोटा जरा पाइप होता है
और स्मॉल डायमीटर पाइप होता है उसमें हम लोग उसको प्रॉपर अलाइनमेंट रख के हम लोग थ्रेड कनेक्शन से जोड़ सकते हैं। ठीक है, किसी भी चीज है जब ये आया है तो उस पर अगर मैं नॉर्मली थ्रेड कनेक्शन बोल के चले जाते तो इतना डिटेल में आपको जानकारी नहीं मिलता। थोड़ा सा तो आपको एक्सटर्नल कुछ आइडिया तो मिला कि बाहर हम लोग क्यों वेल्डिंग करते हैं, क्यों थ्रेड कनेक्शन नहीं करते, तो ये भी आपको थोड़ा जानकारी मिल गया है। इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ जब क्लास प्रोवाइड करूंगा मैं 100% एफोर्ट देकर क्लास प्रोवाइड करूंगा। ओके, 29 नंबर क्वेश्चन, व्हिच टूल इज टाइपिकली यूज्ड इन बेंच वर्क टू क्रिएट थ्रेड्स ऑन ए वर्कपीस। वर्कपीस पर थ्रेड बनाने के लिए बेंच वर्क में आमतौर पर किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, बेंच वर्क में मतलब जो आपका बेंच होता है ना, जहाँ पे बेंच वाइज फिट होता है। बेंच वाइज का नाम बेंच वाइज क्यों है? क्योंकि बेंच वाइज में बेंच में भाइस को फिट किया जाता है, इसलिए। तो बोला है बेंच वर्क में जब आपको थ्रेड कटना होगा तो उसमें आप क्या यूज कर सकते हैं? टैप, चीजेल, पांच फाइल। तो देखिए, चीजेल पांच फाइल से कभी थ्रेड कटना पॉसिबल है, हो सके आपको टैप का यूज करना है, अदरवाइज डाई का यूज करना है। क्योंकि टैप और डाई से जब भी आपको थ्रेड करना हो तो वर्कपीस को कहाँ पे होल्ड करना पड़ता है? बेंच वाइस में जाकर आपको होल्ड करना पड़ता है। उसके बाद और टैप से आप इंटरनल और डाई से एक्सटर्नल थ्रेड कर सकते हैं। चीजें से आप क्या करेंगे, किसी भी वर्कपीस के एक्स्ट्रा मेटल को आप रिमूव कर सकते हैं। पांच से आप क्या कर सकते हैं? मार्किंग कर सकते हैं, उतने स्मार्ट। फाइल से आप कटिंग कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, व्हिच टाइप ऑफ मशीन टूल इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड टू टर्न और शेप सिलिंड्रिकल वर्कपीस। बेलनाकार वर्कपीस को मोड़ने या आकार देने के लिए किस प्रकार के मशीन टूल का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेद मशीन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं अभी आपको लेद मशीन के बारे में एक क्वेश्चन बताया हूं, क्योंकि उसमें वर्कपीस रोटेट होता है, कटिंग टूल स्थिर है, तो दोनों कांटेक्ट आता है तो कटिंग होता है। तो इसमें क्वेश्चन जो आपको पूछा जाए, कौन सा मशीन टूल में किसी भी वर्कपीस का सिलिंड्रिकल शेप दिया जाता है या सिलिंड्रिकली टर्न किया जाता है? तो सिर्फ लेद में पॉसिबल है। ओके, इन चार ऑप्शन में से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, फॉर व्हाट पर्पस इज अ माइक्रोमीटर यूज्ड फॉर इन फिटिंग ऑपरेशन। फिटिंग कार्य में माइक्रोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो फिटिंग ऑपरेशन में माइक्रोमीटर का यूज क्यों किया जाता है? मेजरमेंट लेने के लिए, मेजरिंग लेंथ एक्यूरेटली, लंबाई सटीकता के साथ मापने के लिए। तो बाकी ऑप्शन देख लीजिए, मेजरिंग एंगल प्रिसाइजली, मेजरिंग एंगल प्रिसाइजली करने के लिए आपको वीवल प्रोटेक्टर, वर्नियर वीवल प्रोटेक्टर, साइन बार, स्लिप गेज का ऑप्शन मिल जाएगा। वो नहीं होगा, मेजरिंग सरफेस रफनेस, रफनेस मेजर करने के लिए आपको यूज नहीं करना था, डीटीआई आप यूज कर लीजिए, उससे आपको पता चल जाएगा कितना आपका रफनेस है। मेजरिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर में वर्क मेजर करने के लिए आपको जरूरत नहीं पड़ता। तो जब आपको किसी भी लेंथ को एक्यूरेटली मेजर करना होगा विथ 0.01 मिलीमीटर एक्यूरेसी का साथ, इंच में 0.001 इंच का एक्यूरेसी का साथ, तब आपको माइक्रोमीटर यूज करना होता है। 32 नंबर क्वेश्चन, माइक्रोमीटर का प्रिंसिपल होता है नॉट और बोल्ट, ये आपको याद रखना है, या नॉट और स्क्रू। व्हिच ऑपरेशन इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग थ्रेड ऑन द इंटीरियर सरफेस ऑफ ए होल। किस ऑपरेशन में छेद की आंतरिक सतह पर थ्रेड बनाना शामिल है? अभी मैं डिस्कशन किया हूँ, किसी भी वर्कपीस का, वर्कपीस में होल है, उस होल में आपको थ्रेड कटना होता है तो आपको टैप यूज करना होता है, उस प्रोसेस का नाम है टैपिंग। ओके, ड्रिल करके जब होल बनाते हैं उसको ड्रिलिंग, और रिमिंग में हम लोग किसी भी होल का साइज को बड़ा करके उसका फिनिशिंग को अच्छा करते उसको रिमिंग कहते हैं। नालिंग में हम लोग उसका फॉर्मिंग ऑपरेशन करते हैं, उसका जो सरफेस होता है उसको नाल सरफेस बनाते हैं ताकि उसको प्रॉपर ग्रिप मिले और उसका अपीयरेंस भी थोड़ा अच्छा लगे। 33 नंबर क्वेश्चन, व्हिच टेक्निक इज यूज टू क्लियर द थ्रेड्स ऑफ द चक ड्यूरिंग माउंटेनिंग एंड डिसमाउंटेनिंग इन लेद ऑपरेशन। लेद ऑपरेशन में माउंटेनिंग और डिसमाउंटेनिंग के दौरान चेक चक के थ्रेड को साफ करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो जब भी आप 4 जचक या 3 जचक को माउंटेनिंग करते हैं तो उसमें उसका थ्रेड में देखना, उसका अंदर में जब क्या फंस जाता है, जब चिप्स रह जाता है, कुछ एक्स्ट्रा मेटेरियल्स रह जाता है, तो उसको क्लीन करने के लिए आप कौन सा टेक्निक फॉलो कर सकते हैं? स्क्रैपिंग, ब्रशिंग, टैपिंग। जब अंदर घुस गया है तो आप कैसे ब्रश से निकालेंगे? टैपिंग तो वो तो आपका इंटरनल थ्रेड कटना होता है। स्क्रैपिंग से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी हाई स्पॉट है उसी को आप
मतलब समान कर सकता, हाई स्पॉट को आप हटा सकते, तो ये आपका तीन नहीं को ब्लोइंग कर सकते। एयर ब्लो से आप क्या कर सकते, जो भी उसमें फंसा हुआ है चिप्स वगैरह इलेक्शनल पार्ट, तो उसका ब्लो एयर ब्लो से निकाल सकते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ लैपिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फिटर ट्रेड। फिटर ट्रेड का पेपर इसे हर क्वेश्चन में फिटर फिटर लिख के दिया, अच्छा है। फिटर ट्रेड के संदर्भ में लैपिंग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो देखिए फिटर ट्रेड के संदर्भ में, फिटर ट्रेड का कॉन्टेक्स्ट में लैपिंग, मतलब सबसे पहले में दिमाग में क्या आता है इसका, पहले सबसे पहले दिमाग में आता है कि प्रिसीजन फिनिशिंग ऑपरेशन, तो उसमें हम लोग किसी भी सरफेस को स्मूथ बना देते हैं, और इसमें लैपिंग का अलाउंस कितना होता है, 0.005 मिलीमीटर से 0.01 मिलीमीटर एक्यूरेसी में बना देते हैं। ओके, लैपिंग होनिंग के बारे में अगर आपको कुछ भी जानना है, अगर डिटेल थ्योरी पढ़ना है, तो आप यूट्यूब पे एक बार सर्च कीजिएगा, मेरा दो वीडियो है, दो वीडियो देख लीजिएगा, लैपिंग होनिंग से कभी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और टिग और मिग वेल्डिंग, इसमें वेल्डिंग से भी काफी क्वेश्चन पूछा है, टिग और मिग वेल्डिंग रिलेटेड एक वीडियो है, उसी को आप देख लीजिएगा। तो टिग वेल्डिंग मिग वेल्डिंग रिलेटेड आपका कभी भी कोई डाउट क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि उसमें डिटेल में सब कुछ क्लियर किया हुआ, जितना आप लोगों के लिए चाहिए उसमें सब कुछ कवर किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज द एक्सेप्टेबल एक्यूरेसी फॉर फिटिंग एन एंगुलर मेटिंग सरफेस। कोणीय मिलन सतह को फिट करने के लिए शिखर सटीकता क्या है। एंगुलर मेटिंग सरफेस कुछ ऐसा पार्ट है जहां पे दो पार्ट एंगल में मैचिंग होता है, तो इसके लिए एक्सेप्टेबल एक्यूरेसी क्या होता है, 0.02 मिलीमीटर, अदरवाइज 10 मिनट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, व्हिच सिनेरियो वुड यू टाइपिकली ड्रिल ए ब्लाइंड होल। आप आमतौर पर किस परिदृश्य में ब्लाइंड छेद करेंगे, तो ब्लाइंड होल मतलब आपको कैसा ड्रिल करना है। तो सबसे पहले दिमाग में ब्लाइंड होल रिलेटेड आइडिया क्या आता है, मेरा बात सुन लीजिए, किसी भी वर्कपीस है, इसका अगर सोचिए टोटल इसका साइज है 20 मिलीमीटर, अगर ड्रिल करके अगर होल हम लोग बना लेते हैं पूरा, तो ये आपका 20 मिलीमीटर में पूरा होल हम लोग बना ली है, तो इसको कहते हैं थ्रू होल, थ्रू होल, जिससे आप एक साइड से दूसरा साइड को देख सकते हैं। और एक होता है ये आपका वर्कपीस है, सोचिए आपका टोटल साइज 20 मिलीमीटर है, लेकिन जब आप होल बनाते हैं तो आप सोचिए इतने तक आपको होल बनाना है, तो आपका कहां तक होल बना है, सोचिए आपका 17 इधर से इधर 17 मिलीमीटर है, इतना तक आप होल बनाते हैं, तो इस तरफ से उसको वो दिखाई नहीं देगा, उस तरफ से इस साइड को दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो ये आपका थ्रू होल नहीं हो रहा है, आपका अंधा होल हो रहा है, मतलब आपका कुछ पोर्शन रिस्ट्रिक्टेड है जहां पे आपको नहीं ड्रिलिंग करना है, तो इतने तक आपको ड्रिल कर लिए, तो आप जो जिस पोर्शन तक आप ड्रिल करते हैं वो आपका क्या है, अलाउड पोर्शन है, बाकी आपका रिस्ट्रिक्टेड पोर्शन है, आप ड्रिलिंग नहीं कर सकते, और ड्रिलिंग कर देते तो आपका थ्रू होल हो जाता, लेकिन ये आप आधा दूर तक जाके आप होल नहीं किया, तो इससे आपका हो क्या रहा है, इसे देखिए इधर से आप इधर को देख रहे हैं, लेकिन इधर से आप दिखने जाएंगे तो आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, और इधर से दिखने जाएंगे तो इधर इस पोर्शन का कुछ नहीं दिखाई देगा, इसीलिए इसको अंधा होल या ब्लाइंड होल कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जो आंसर की मैं दिया ऑप्शन डी दिया बिल्कुल गलत हो जाएगा, इस पे आप ऑब्जेक्शन करिए, आपको 100% 200 रुपये रिफंड मिलेगा, ठीक है। व्हेन ए होल नीड्स टू पास इंटरनली थ्रू द मटेरियल, मतलब जब किसी छेद को पूरी तरह से सामग्री से होकर गुजरना पड़ता है, जब किसी भी होल वर्कपीस का पूरा पूरी तरह से होल करके जब निकालता है, तो उसको थ्रू होल कहता है। इसमें बोल भी दिया है कि व्हेन ए होल नीड्स टू पास द इंटरली थ्रू द मटेरियल, पूरा मटेरियल को जब पास करके जब होल बनाते हैं तो उसको थ्रू होल कहता है। तो ये आपका आंसर बिल्कुल गलत दिया है, आपका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, व्हेन द डेप्थ ऑफ द होल इज रिस्ट्रिक्टेड, मतलब जब छेद
की गहराई प्रतिबंधित है, तो आपको इतना सा 17 मिलीमीटर तक आपको ड्रिलिंग करना है, आप उतने तक ही कर लिए है, तो ये आपका होता है ब्लाइंड होल, मतलब ये थ्रो होल नहीं हो रहा है। तो इस क्वेश्चन पर 36 नंबर क्वेश्चन पर आप ऑब्जेक्शन कीजिए। 37 नंबर क्वेश्चन, व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन व्हाइल ड्रिलिंग थ्रू मटेरियल्स विद वेरिंग थिकनेस, विभिन्न मोटाई वाली सामग्री में ड्रिलिंग करते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो इसमें बोला है जब आप वेरिंग थिकनेस का मटेरियल का ड्रिलिंग करते हैं, तो जो 5 मिलीमीटर के पहले किया, 10 मिलीमीटर, 15, 20 मिलीमीटर का जब आप ड्रिलिंग करते हैं, तो सबसे पहले आपको कौन सा प्रिकॉशन लेना होता है कि जिस वर्कपीस में आप एक्चुअली ड्रिलिंग करने जा रहा है थिकनेस ज्यादा है, मतलब आपको कटिंग फोर्स ज्यादा देना पड़ेगा, हैंडल ज्यादा प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है, तो उसमें आपका होगा क्या है, वो आपका जो मटेरियल है थिकनेस जब बढ़ रहा है तो उसका साथ साथ उसको प्रॉपरली टाइट करना भी जरूरत होता है, उसको प्रॉपरली क्लैंप करना भी जरूरत होता है, इसीलिए सिक्योर द मटेरियल प्रॉपरली। तो आपका जो वॉइस होगा, टूल मेकर वॉइस या जो भी आपका मशीन वॉइस होगा, उसमें वर्कपीस को सबसे पहले अच्छा से सेट करके उसको पकड़ लीजिए, ठीक है। तो जब भी आपका डिफरेंट डिफरेंट थिकनेस का मटेरियल का आपको डीलिंग करना पड़ेगा, नॉर्मल थिकनेस का भी किसी भी मटेरियल को डीलिंग करना तो सबसे अच्छा होगा, अब मशीन वॉइस में उसको प्रॉपरली टाइट कर लीजिए। तो इसका भी आंसर बिल्कुल सही दिया है। 38 नंबर क्वेश्चन, व्हिच कैरेक्टरिस्टिक डिफाइंस ए डबटेल जॉइंट। डबटेल जॉइंट फिटर स्टूडेंट का, हर स्टूडेंट को मालूम है कि डबटेल जॉइंट क्या होता है, क्योंकि मैक्सिमम इसरो में इस फिटिंग से आपको ट्रेड टेस्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है, इस फिटिंग को बनाने के लिए दिया जाता है, ठीक है, ऐसा होता है, ये आपका डबटेल फिटिंग होता है, ठीक है। तो देखिए इंटरलॉकिंग एंगल सरफेस, तो देखिए इसमें आपका एंगल सरफेस है, लेकिन एक दूसरे को क्या करें, जब आप मैच कर देंगे तो इंटरलॉक हो जाएगा, मतलब आप ऐसे खींचेंगे तो वो नहीं निकलेगा, आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसे स्लाइड करना पड़ेगा, ऐसे स्लाइड करेंगे तो निकल जाएगा, लेकिन जब ऐसे करके आप जोड़ देंगे उसको आप ऐसे करना चाहेंगे तो वो आपका इंटरलॉक हो जाता, वो खोलेगा नहीं, ये इंटरलॉकिंग एंगल सरफेस फिटिंग होता है। डक्टल जॉइंट हर स्टूडेंट जब, इसका राइट आंसर बिल्कुल मेरा हिसाब से सभी स्टूडेंट ने सही करके आया है, और ये डक्टल जॉइंट मैक्सिमम कारपेंटरी पर्पस के लिए यूज किया जाता है, कारपेंटरी पर्पस के लिए मैक्सिमम जो भी फर्नीचर होता है उसमें डक्टल जॉइंट किया जाता है, ओके। और इसमें जब भी ट्रेड टेस्ट होता है या फिटर स्टूडेंट के लिए सबसे डिफिकल्ट जॉब होता है डक्टल फिटिंग करना, क्योंकि सब इंटरलॉकिंग जो एंगल फिटिंग होता है वो प्रॉपरली सबका फिट नहीं हो पाता है। Which type of grinding wheel is most suitable for sharpening high speed steel tools? High speed steel tools को तेज करने के लिए किस प्रकार का grinding wheel का सबसे उपयुक्त है? इस पे आप objection कीजिए। इसका right answer हो जाएगा aluminium oxide। देखिए, जब आपको tool steel या high speed steel किसी भी tool बोला जाएगा, इसका जब आपको grinding करना पड़ेगा, तो जो आपका abrasive जो grinding wheel होगा वो एल्यूमिनियम एब्रेसिव ग्राइंडिंग व्हील होना चाहिए, एल्यूमिनियम एब्रेसिव ग्राइंडिंग व्हील होना चाहिए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसीलिए देखिए ये आपका हो जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। डायमंड नहीं होगा, अगर टंगस्टन कार्बाइड रहता, उधर आपका टंगस्टन कार्बाइड रहता तो आप डायमंड यूज कर सकते हैं, लेकिन जब आपको हाई स्पीड स्टील या टूल स्टील बोला जाता तो उसके लिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड ग्राइंडिंग व्हील यूज किया जाता है, ओके। तो आप लोग 39 नंबर क्वेश्चन पर भी ऑब्जेक्शन कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, व्हेन डिसअसेंबलिंग ए मशीन व्हाट शुड बी डन फर्स्ट टू एंश्योर सेफ्टी, किसी मशीन को अलग करते समय सुरक्षा निश्चित करने के लिए सबसे पहला क्या किया जाना चाहिए। किसी भी मशीन जब आपको डिसअसेंबल करना है, मशीन का हर पार्ट को जब आपको खोलना है, तो सबसे पहले आपको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो जो जरूरत है वो आपको पहन लेना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, वियर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पहन लेना चाहिए। 41 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ग्राइंडिंग ऑपरेशन इज यूज्ड टू रिमूव एक्सेस मटेरियल एंड अचीव स्मूथ सरफेस फिनिश, कौन सा ग्राइंडिंग ऑपरेशन अतिरिक्त सामग्री को हटा देता है और एक चिकनी सतह फिनिश प्राप्त करता है, कौन सा ग्राइंडिंग का एक मेथड है जिसमें एक्सेस अमाउंट ऑफ मटेरियल को रिमूव कर सकते सरफेस से और इससे फिनिश भी
अच्छे प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिप फीड ग्राइंडिंग। काफी सारा स्टूडेंट इसका राइट आंसर सरफेस ग्राइंडिंग को करने वाला है, लेकिन मेरा हिसाब से सरफेस ग्राइंडिंग नहीं होगा। क्रिप फीड ग्राइंडिंग में होता है ऐसा है कि इसमें हम लोग फीड को ज्यादा देते हैं, इसीलिए इसका नाम है क्रिप फीड ग्राइंडिंग। फीड ज्यादा लेके हम लोग एक्सेस अमाउंट ऑफ मटेरियल रिमूव करते हैं, लेकिन जब फिनिश का होता है तो स्मूथ सर्फेस फिनिशिंग होता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर दिया है। अभी तक दो क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्शन करना है जो मैं आपको बताया हूँ। नेक्स्ट आप पूरा वीडियो देखते रहिए। When assembling threaded components, which technique should be used to ensure proper alignment? Threaded component, जिसको घटक कहते हैं, threaded component को assemble करते समय उचित संरेखण सुनिश्चित करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है, जाना चाहिए। देखिए, ये आपका किसी भी एक सोचिए स्टार्ट है और ये आपका किसी भी एक वर्कपीस है और इसमें आपका इंटरनल थ्रेड है, ठीक है। तो इसीलिए बोला है व्हेन असेंबलिंग थ्रेडेड कंपोनेंट, मतलब एक में इंटरनल थ्रेड है, एक में एक्सटर्नल थ्रेड है। तो इन दोनों कंपोनेंट पे जब आपको असेंबलिंग करना है तो व्हिच टेक्निक शुड बी एमसीओ फॉर प्रॉपर अलाइनमेंट। तो अलाइनमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है, इसका फ्रंट पोर्शन को चैम्फरिंग करना होता है। इसीलिए थ्रेड कटने से पहले ऑलवेज चैम्फरिंग कर लेना होता है। इसको हम लोग काउंटर सिंकिंग कहते हैं। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, या काउंटर सिंकिंग या आप लोग चैम्फरिंग कहते हैं, क्योंकि काउंटर सिंकिंग ऑप्शन में ही है। तो हम लोग इस पोर्शन को क्या करते हैं, चैम्फर बना लेते हैं। तो चैम्फर बनाने से क्या होगा, ये पोर्शन आपका चैम्फर हो जाएगा। इसमें तो आपका थ्रेड है, इंटरनल थ्रेड है, और ये जो आपका स्टार्ट है ना, स्टार्ट इसमें आएगा, इसमें आके ऐसे बैठेगा, फिर उसको खुद वो सेल्फ अलाइनमेंट कर लेगा, फिर उसको घुमा के जब हम लोग टाइट करेंगे इसका इंटरनल होल में जाकर फिट हो जाएगा। तो प्रॉपर अलाइनमेंट करने के लिए एटलीस्ट थ्रेडेड जो भी कंपोनेंट होगा, जो होल वाला कंपोनेंट है, उसी का फ्रंट पोर्शन में चैम्फरिंग करना कंपलसरी है। तो ये टेक्निक तो आपको करना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, व्हिच टाइप ऑफ फास्टनर इज टाइपिकली यूज्ड टू जॉइन टू पीसेस ऑफ मेटल परमानेंटली। धातु के दो टुकड़ों को स्थायी रूप से जुड़ने के लिए आमतौर पर किस प्रकार के फास्टनर का उपयोग किया जाता है। मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूं कि रिवेट एक परमानेंट फास्टनर है, लेकिन आप लोग किसी ऐसा भी जगह है जहां से आप सुनते थे रिवेट सेमी परमानेंट है, तो ऐसा कुछ नहीं है। रिवेट परमानेंट फास्टनर है जिसे हम लोग दो पीस ऑफ मेटल को परमानेंटली जोड़ सकते हैं। तो ऑप्शन पढ़िए, बोल्ट, नट, स्क्रू, रिवेट। तो इन चार ऑप्शन में से रिवेट राइट आंसर हो जाएगा, जिससे हम लोग किसी भी दो पार्ट को परमानेंटली जोड़ सकते हैं। जैसे हावड़ा ब्रिज में देखिए, हर एक पार्ट को रिवेट से बनाया है, उसमें एक भी नट बोल्ट का उपयोग नहीं किया है। इसको रविंद्र सेतु का नाम में हम लोग जानते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन, इन वेल्डिंग व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए फ्लक्स। वेल्डिंग में फ्लक्स का क्या कार्य होता है। सीधा बात, रिमूव ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन को रिमूव करता है, ठीक है। देखिए, प्रोटेक्ट द वेल्ड पूल फ्रॉम एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन, मतलब जब आप वेल्डिंग कर रहे हैं, सबसे पहले फ्लक्स क्या होता है सुन लीजिए, इलेक्ट्रोड को जो हम लोग मटेरियल से कवर करते हैं उसी को फ्लक्स कहते हैं। द मटेरियल इज यूज टू कवर द इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड अ फ्लक्स। इलेक्ट्रोड को कवर करने के जो मटेरियल यूज करते हैं उसको फ्लक्स कहते हैं, और इसे ऑक्सीडेशन रिमूव होता है। जब भी हम लोग वेल्डिंग करते हैं तो बाहर के कोई भी आपका फॉरेन मटेरियल, ऑयल, ग्रीस रहने का कारण ऑक्सीडेशन होने का चांसेस होता है। तो ऑक्सीडेशन को रिमूव करने के लिए फ्लक्स का यूज किया जाता है। इसलिए वेल्ड पूल को वायुमंडलीय प्रदूषण से बचाने के लिए फ्लक्स का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ओके। इस पे आपको ऑब्जेक्शन नहीं करना है, बिल्कुल सही आंसर दिया है। व्हाट डिस्टिंग्विशेस ए प्न्यूमेटिक कंपोनेंट फ्रॉम ए हाइड्रोलिक वन। वायवीय घटक को हाइड्रोलिक से क्या अलग करता है। देखिए, हाइड्रोलिक में हम लोग प्रेशराइज फ्लूइड के यूज करके हाइड्रोलिक सिस्टम को चलाते हैं, लेकिन न्यूमेटिक सिस्टम में कंप्रेस्ड एयर का यूज किया जाता है। इसीलिए इसमें जो आपको दिया है, द टाइप ऑफ फ्लूइड यूज्ड फॉर ऑपरेशन, ऑपरेशन के लिए उपयोग किए जाने वाला तरल पदार्थ का प्रकार, तो इसी का हिसाब से हाइड्रोलिक को हम लोग न्यूमेटिक से अलग कर रहे हैं, ओके। और न्यूमेटिक में हम लोग कंप्रेस्ड एयर के यूज करते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉमन इशू दैट माइट अराइज इन पावर ट्रांसमिशन
सिस्टम ड्यू टू लैक ऑफ मेंटेनेंस, रख रखाव की कमी के कारण विद्युत पोरोसन प्रणाली में कौन सी समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो इसमें बोला है पावर ट्रांसमिशन सिस्टम में जब मेंटेनेंस का कमी होगा तो उसमें कौन सा कॉमन टाइप ऑफ इश्यू हो सकता है। इंक्रीज एफिशिएंसी कैसे बढ़ेगा, ये तो नहीं होगा। रिड्यूस्ड वेयर एंड टियर का कोई बात ही नहीं आया। बेल्ट स्लिपेज कहां से होगा, बेल्ट स्लिपेज का कोई बात ही नहीं है। डिक्रीज पावर कंजम्पशन आपका कम होगा, पावर खर्चा भी आपका कम होगा। देखिए जब आपका पावर ट्रांसमिशन सिस्टम में जब आपका मेंटेनेंस आप प्रॉपरली नहीं करते हैं तो जो आपका पावर कंजम्पशन है, बिजली की खपत क्या होगा, वो भी आपका कम होगा। बिजली की जो भी खर्चा होगा, जो जितना कंज्यूम होता है, वो भी आपका कम होगा, ये इशू होता है। 47 नंबर क्वेश्चन, हाउ डू कॉम्प्लेक्स गेजेस डिफर फ्रॉम सिंपल गेजेस इन मेटल वर्किंग। धातु कर्म में जटिल गेज साधारण गेज से किस प्रकार भिन्न होता है। दे प्रोवाइड मेजरमेंट फॉर मल्टीपल डायमेंशन। कॉम्प्लेक्स का मतलब ही जटिल, मतलब थोड़ा कॉम्प्लेक्स ड्रॉइंग है, मतलब वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स थोड़ा उसमें फिगर भी है। तो कॉम्प्लेक्स में कुछ जटिल प्रकार है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीपल डायमेंशन को चेक कर सकते हैं। और सिंपल गेज में हम लोग सिर्फ नो और गो और नो गो को हम लोग चेक कर सकते हैं, अपर लिमिट लोअर लिमिट को हम लोग चेक कर सकते हैं। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स गेज होता है, इससे हम लोग मल्टीपल डायमेंशन को चेक कर सकते हैं। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। देखिए क्वेश्चन का लेवल, लेकिन क्वेश्चन अलग अलग क्वेश्चन पूछा। और गेजेस का बात आता है तो गेजेस एक चेकिंग टूल है, आपको याद रखना है, जिसका मटेरियल होता है, बनाने का मटेरियल होता है एलॉय स्टील। ओके, कॉम्प्लेक्स गेज मतलब इसका शेप भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स है जिससे हम लोग मल्टीपल डायमेंशन को चेक कर सकते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन, डैश एज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ ड्रिल जिग्स अलाउज फॉर इजी एडजस्टमेंट टू एकोमोडेट डिफरेंट साइजेस ऑफ वर्कपीस एनहांसिंग वर्सेटिलिटी इन ड्रिलिंग टास्क। डैश ड्रिल जिग्स के घटक को या कंपोनेंट में से एक ही रूप है, विभिन्न आकार वर्कपीस को समायोजित करने के लिए आसान समायोजन की अनुमति देता है, जिसकी ड्रिलिंग कार्य में बहुमुखी प्रतिभा बढ़ती है। तो देखिए NFL एग्जाम होने से पहले NFL का पेपर डिस्कशन के उसी में मैं आपको क्लियरली बताया था कि जिग का वो कौन सा पार्ट है जो वर्कपीस को होल्ड करता है, क्लैंप करता है, उसका प्रॉपर पोजीशन में लोकेट भी करता है। जिग का तो काम ही होता है वर्कपीस को होल्ड करना, लोकेट करना और कटिंग टूल को गाइड करना। तो इसमें से होल्ड और लोकेट कौन सा पार्ट करता है, तो ये आपका राइट आंसर होगा, क्लैंप होगा। लेकिन इस मास्टर की में जो दिया है वो हैंडल दिया, हैंडल नहीं होगा, क्लैंप राइट आंसर होगा। इस पे आप ऑब्जेक्शन कीजिए, नीमी में आपको इसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी मिल जाएगा। तो क्लैंप्स का यूज हम लोग करते हैं, जैसे टूगल क्लैंप होता है, वेज क्लैंप होता है, स्क्रू क्लैंप होता है, लैच क्लैंप होता है, ओके कैम क्लैंप होता है। मैं आपको डिटेल में सब क्लैंप के बारे में बताया था और उसका डायग्राम भी फिगर भी मैं आपको दिखाया था। 49 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ए सर्किट इन ए न्यूमेटिक सिस्टम। वायवीय प्रणाली में सर्किट बनाने का उद्देश्य क्या होता है, तो न्यूमेटिक सिस्टम में सर्किट बनाने का मेन पर्पस होता है टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एयर एंड प्रेशर, हवा के प्रभाव और दबाव को नियंत्रित करने के लिए उसमें सर्किट को बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, बिल्कुल आंसर कीपर भी सही दिया है। 50 नंबर क्वेश्चन, इन गैस वेल्डिंग द फ्लेम इज प्रोड्यूस्ड बाय मिक्सिंग ऑक्सीजन विथ व्हिच गैस। देखिए गैस वेल्डिंग में किस गैस के साथ ऑक्सीजन मिलाकर जला उत्पादन की जाती है। तो गैस वेल्डिंग मतलब जनरली ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग का बात करते हैं। इसमें जो फ्यूल गैस होता है एसिटिलीन होता है, उसको जलाते हैं, और ऑक्सीजन होता है सपोर्टर ऑफ कंबशन, जलने के लिए वो सपोर्टर होता है, ठीक है। तो फ्यूल गैस इसमें ऑक्सीजन होता है, तो इसमें देखिए एसिटिलीन राइट आंसर हो जाएगा। जब हमको न्यूट्रल फ्लेम चाहिए, ऑक्सीजन एसिटिलीन हम लोग सेम रेशियो में हम लोग भेजेंगे, मिक्स करेंगे। जब ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम चाहिए तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम या ऑक्सीजन का मात्रा हम लोग ज़्यादा देंगे एसिटिलीन का तुलना में, और जब हमको कार्बोनाइजिंग फ्लेम चाहिए तो हमको एसिटिलीन का मात्रा ज़्यादा देना पड़ेगा ऑक्सीजन का तुलना में। ओके,
जनरली न्यूट्रल फ्लेम हम लोग यूज करते हैं प्रॉप गैस वेल्डिंग ब्रेजिंग वगैरह, जैसे स्टील माइल्ड स्टील इन सब में हम लोग यूज करते हैं गैस वेल्डिंग का न्यूट्रल फ्लेम। ओके, ये तो टोटल 150 जो क्वेश्चन है इसी का मैं बहुत ही अच्छे से मैं 100% एफर्ट देके डिस्कशन किया हूँ। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को एटलीस्ट लाइक कीजिएगा और अपने तरफ से तो कमेंट जरूर कीजिएगा आपका कितना मार्क्स आ रहा है, क्योंकि इसका कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ का ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। तो वीडियो को एटलीस्ट लाइक करके कमेंट बॉक्स पर अपना मार्क्स भी बता के जाइए, सभी स्टूडेंट मार्क्स बताएगा तो उससे हमको पता भी चलेगा, लगभग तो 130 प्लस कट ऑफ जाएगा, मैं इसको देख के पता चल गया। तो बाकी आप लोग कमेंट कीजिएगा, आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।